स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत है गुरुदेव, स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत है गुरुदेव। ओम हरि ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। चंद्रमामलशो जातश्चक्षो हो सूर्यो जायत श्रोत्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखाद् अग्निर्जायत। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ज्ञान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हो ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंक्त खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ോത്തമായ നമഃ മന്ത്ര പുഷ്പാഞ്ജലിം സമർപ്പയാമി വല വൃന്ദാവന വിഹാരി ലാല കീ ജയ। सभी लोग विराजमान हो जाएंगे। पूज्य सतगुरुदेव भगवान आसन ग्रहण कर चुके हैं, आप लोग भी यथास्थान विराजमान हो जाएं। एक बार दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे। पूज्य सतगुरुदेव भगवान व्यासपीठ के दिव्य शोभा को बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिवादन करेंगे गुरुदेव भगवान का। बड़ी सुंदर प्यारी आभा के साथ में दर्शन देते हुए आज चतुर्दिवस की पावन कथा का श्रवण पान सतगुरुदेव भगवान कराएंगे, और पावन कथा के साथ में ठाकुर जी का पावन जन्मोत्सव हम और आप सभी लोग मनाएंगे। तो खूब सारी बधाइयां लूटेंगे और खूब सारी बधाइयां लुटाने का सुअवसर प्राप्त करेंगे। तो आइए इससे पहले की पावन कथा में प्रवेश करें और खो जाए, मैं आप सभी को लेकर चलूंगा सीधा वृंदावन की ओर, जो निरंतर सीधा वृंदावन में सेवाएं चल रही है और पूरी दुनिया भर से लोग इन सेवाओं के दर्शन करने के लिए आज यहाँ आ रहे हैं। इस सबका श्रेय है आप जैसे दानवीर महापुरुषों के लिए तो जाता ही है, क्योंकि आप अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाते हैं तब कहीं जाकर के ये सेवाएं चलती हैं। परंतु इसका सबसे बड़ा श्रेय सतगुरुदेव भगवान के लिए जाता है, जिनकी सनदि में देख रेख में इतना सुंदर कार्य यहाँ हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां सतगुरुदेव भगवान के लिए। आइए ऐसे में सतगुरुदेव भगवान तो ये सभी सेवाएं, ये सभी कार्य कर ही रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी क्यों ना अपने हाथों से ये शुभ कार्य करें, थोड़ा सा पुण्य आप भी अपने जीवन में कमाएं। अगर आपको ये शुभ अवसर मिले तो आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने जीवन में पुण्य कमाते हुए, आशीर्वाद कमाते हुए वृंदावन धाम से अपने आप को जोड़ें। आइए आज हमारे आश्रम में 275 माओं की बड़ी सुंदर पावन सेवा हो रही है। ऐसे में इन 275 माओं के चरणों की सेवा से आप भी अपने आप को जोड़ सकते हैं। अगर आप किसी एक माँ का सहारा बनने लायक हैं, सहारा बन सकते हैं, तो आप जरूर बने। और इसी के साथ में मात्र 20,000 रुपए के छोटे से योगदान के माध्यम से किसी एक माँ का सहारा हम बन जाते हैं। इस छोटे से योगदान से माओं का सहारा बनेंगे और साथ ही इन माओं की भोजन प्रसादी की भी पावन सेवा से भी आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। यहाँ रहने वाली वृद्धमाओं के लिए 275 माओं के लिए, 200 माओं के लिए, 100 माओं के लिए, 50 माओं के लिए, अथवा किसी एक माँ के लिए
कम से कम आप 70 रुपए का योगदान दे ही सकते हैं। इसी के साथ में आप यह सेवा 1 माह के लिए, 2 माह के लिए, 6 माह के लिए भी कर सकते हैं। इसी के साथ में गौरी गोपाल क्षेत्र के माध्यम से बड़ी ही सुंदर पावन सेवा यहाँ संतों के रूप में होती है। हजारों संतों को नेत्रपति यहाँ प्रसादी लेने का सुअवसर मिलता है और हम और आपको प्रसादी अपने हाथों से वितरित करते हुए उन्हें पवाते हुए ये पुण्य कमाने का सुअवसर मिलता है। आइए एक दिन की सेवा क्यों ना हम भी अपने हाथों से करें। मात्र 11,000 रुपए के योगदान से संपूर्ण सेवा अपने हाथों से करते हुए अपने आप को जोड़ सकते हैं। और इसी के साथ में आप 100 संतों के लिए, 50 संतों के लिए, 11 संतों के लिए अथवा किसी एक संत के लिए भी अपना योगदान दे सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ सीधा प्रदावर में गौरी गोपाल रसोई चलती है। वैसे तो आप सभी लोग परिचित हैं इस रसोई से, बड़ी सुंदर पावन रसोई निरंतर रात दिन कार्य कर रही है और हजारों भक्तों की भूख मिटा रही है। एक बार जोरदार तालियां इस रसोई के लिए, सतगुरुदेव भगवान के लिए, जिनके माध्यम से यहाँ आने वाले सभी भक्तों को भरपेट भोजन प्रसाद मिलता है, वो भी एकदम निशुल्क। ऐसे में मैं चाहूंगा जब ये इतनी सुंदर सेवा विशाल रूप में चल रही है, निशुल्क चल रही है, तो क्यों ना प्रसाद तो पाएं ही, एक दिन की सेवा अपने हाथों से भी कर लें ताकि हमें भी थोड़ा सा पुण्य मिल सके। और मात्र 31,000 रुपए के योगदान से एक दिन की संपूर्ण सेवा हो जाती है, जिससे आप 1,000 लोगों को अपने नाम से, अपने बच्चे, अपने पूर्वजों के नाम से भोजन प्रसादी पवा सकते हैं। इसी के साथ में अन्यत्र भी सेवाएं सीधा प्रदावर में चल रही हैं। आप जिस सेवा से चाहें उस सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। आइए इन सेवाओं के लिए किन्हीं दानवी महापुरुषों ने अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाए हैं, नाम सुनेंगे ऐसे दानवी महापुरुषों के। आज की श्रेणी में आदरणीय श्री कौशिक कुमारी खंडू भाई देसाई, आप सूरत गुजरात से हैं और आपने इन सभी सेवाओं के लिए 1,05,000 रुपए का योगदान दिया। एक बार जोरदार तालियां कौशिक कुमार जी खंडू भाई के लिए। देसाई जी गुजरात से आप जुड़ रहे हैं और सभी सेवाओं में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में श्रीमती पुष्पा जी जयसवाल, आप बोरीवली मुंबई से हैं और आपने वृद्धमाओं की सेवा के लिए, उनकी भोजन प्रसादी की सेवा, उनके रख रखाव के लिए 1,00,000 रुपए का योगदान दिया है। एक बार जोरदार तालियां श्रीमती पुष्पा जयसवाल जी के लिए, जिन्होंने बोरीवली मुंबई से 1,00,000 रुपए का योगदान माओ की सेवा के लिए दिया है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी श्रेणी में राज्यपाल विजय राणा जी, आप स्वर्गीय दीपचंद जी विजय राणा के नाम से दिल्ली से, आप 25,000 रुपए देते हुए गोदान की पावन सेवा से अपने आप को जोड़ रहे हैं। वहीं यमुनाबाद जी पाटनकर की श्रीमती में बैतूल से 21,000 रुपए, आदित्य शर्मा जी सीकर राजस्थान से आप 21,000 रुपए, रामकृष्ण महाराणा रायगढ़ से आप 11,000 रुपए, अनुप कुमार जी वर्मा बिहार से 11,000 रुपए, पुष्पा देवी अग्रवाल आनंद गुजरात से 10,000 रुपए, खेमराजी सेठी गुरुगांव से 11,000 रुपए, अमित शर्मा जी स्वर्गीय धर्मवीर शर्मा के नाम से रोहतक से 11,000 रुपए, प्रमला जी डी वर्मा मुंबई से आप 11,000 रुपए, शर्मा भावना कुलदीप जी आप गांधीनगर से 51,000 रुपए, सरस्वती तिवारी आप कानपुर से 51,000 रुपए, यशु पटेल आप 51,000 रुपए, चंद्रकांत जी गुप्ता दिल्ली से आप 51,000 रुपए, लाल सिंह चौहान उदयपुर राजस्थान से 51,000 रुपए, बलवंत सिंह जी जम्मू कश्मीर से 5,100 रुपए, किरण आर कुंते पुणे से आप 51,000 रुपए, नीतीश शर्मा अलवर राजस्थान से 5,100 रुपए आप दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में राधिका मनोहर जी पिथौरागढ़ से आप विजय से 2,100 रुपए, भोलाराम साहू जी सुरोचना साहू जी बिलासपुर से, धनकरी सुंदर देवी दिल्ली से आप 500 रुपए, श्रीमती गोमती देवी समझपुर बिहार से 3,100 रुपए, सुमित कुमार जी गुप्ता उत्तर प्रदेश से, उषा शर्मा जी गुड़गांव से, जानकी देवी जमशेदपुर झारखंड से, रमेश कुमार जी, राम प्रसाद परसवान जी पासवान आप रंबा देवी पश्चिम बंगाल से, विमल दा जी, विमला दबा जी देवी आप मोहन कुमार सिन्हा कृपा भाई कानपुर से, जगमोहन मुखी चंडीगढ़ से, राकेश चंद्रकांत जी पश्चिम बंगाल से, आप 2,100 रुपए, भूमा देवी शर्मा आप असम से, विनोद कुमार चौबे आप 2,500 रुपए आप मध्य प्रदेश से, खुशीराम जी उत्तर से 2,000 रुपए, रमाकांत जी लखनऊ से, उषा कुमारी सुपौल बिहार से, राजेश कुमारी आप ऋषभ जी झारखंड से, सुरेंद्र जी गुलाटी 3,100 रुपए आप दे रहे हैं। ऐसी श्रेणी में गोमती देवी समस्तीपुर बिहार से, जयश्री सिंह जी आप 17 से विशेष सेवक यहाँ तक बुला रहे हैं, सूर्य प्रकाश जी फरदाबाद से आप 2,100 रुपए, पद्माबाजी गाजियाबाद से, बिना प्रताप जी आप उत्तराखंड से, मीना देवी झारखंड से 2,100 रुपए, राजेंद्र कुमार जी कपूर आजोधपुर राजस्थान से, प्रकाशन जी गुप्ता पटना बिहार से, सूर्य प्रकाश जी फरदाबाद से आप 2,100 रुपए, मनोज जी कौशल जी चंद्रपुर से, नरेश कुमार जी कोठारी आप ठाणे से, श्वेता जी रावत आप देहरादून से, आनंद प्रकाश जी सुनीता देवी झारखंड से, सविता चंद्रवीर जी विनीता, विजय कुमार जी बेंगलुरु से, दुलारी भाई छत्तीसगढ़ से, रमेश कुमार जी पुष्परानी आप दिल्ली से, आदित्य ऋषभ सिंह आप बिहार से, मनीषा शर्मा आप दिल्ली से, नीरेश भाई जी लीला दर्श भाई आप पृथ्वी से गुजरात से 2,100 रुपए, कृष्णाराम जी जानकी देवी कर्नाटक से आप 2,100 रुपए, कमलेश जी रामाधार जी पाली नागपुर से, विजय अंजलि बरेली उत्तर प्रदेश से, कृष्ण जी आप बटकोल मऊ से, साथ ही मुकेश देवी दिल्ली से आप विजय सहयोग के हाथ तक बुला रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में
दिवेश कुमार जी आप चंपारण बिहार से, बसंती बहन जी, लक्ष्मण भाई जी यादव आप 2201 रुपए, वापी गुजरात से विनोद कुमार जी, आप दिल्ली से, दीपंकर जी मंडल आप जोधपुर राजस्थान से, बिना सक्षण आप कर्नाटक से, किशोर संजय जहां आप दिल्ली से, विनीत जी हेमंत गुप्ता मुंबई से, आप किशोर सुषमाजी सक्षण आप नोएडा से, आप बसंत नेगी आप उत्तराखंड से 2100 रुपए, कीर्ति ऋषभ जी अंबेडकर नगर से आप 2000 रुपए, निर्मला जी पंडित आप कटिहार बिहार से 31000 रुपए, आप रसोई की पावन से बगली 25000 रुपए आप गोदान के लिए प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शांति देवी स्वर्गीय शंभू जी उत्तराखंड से आप उनके नाम से प्रदान करें 5100 रुपए, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में विक्रम सिंह जी अम्बाला से आप विजय सहयोग के हाथ आगे बुला रहे हैं, चारू सारू जी आप बुलंदशहर से विजय, हर्षवर्धन सिंह जी बुलंदशहर से विजय, कृतिका सिंह जी आप बुलंदशहर से आप विजय, नारायण निवास निशा जी आप 2201 रुपए का योगदान दे रहे हैं, अन्य क्षेत्र की बावन सेवा की रामकर जी सैनिकोट क्षेत्र से आप 5500 रुपए, राजे जी बंसल आप बिमला देवी साली मार बाग दिल्ली से आप 10000 रुपए, बलवीर प्रसाद जी अलीगढ़ से विजय, फोराबाई जी आप रनकर दतिया से 5 रुपए, नीलम जी जम्मू से 1100 रुपए, अहिल्या देवी बिलासपुर से आप विजय, कलाबाई जी इंदौर से विजय, अलका जी बिलासपुर से, विद्या जी आप इंदौर से, मंजूर उपाध्याय जी फरीदाबाद से 1100 रुपए, मंजूर देहरादून से आप विजय सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रेणी में 1100 रुपए संत के राम कुबेर जी उपाध्याय के नाम से अयोध्या से, किशोर मदनलाल जी हरणा से, मदन मंथन जी आप आसमान समितिपुर बिहार से 31000 रुपए, तुलसी राम जी कुमार आप राजस्थान से विजय है, संतोष प्रसाद जी बिहार से विजय, रजत जी बिहार से आप 21 रुपए, फूल राजा जी बंगाल से आप 21 रुपए, हेमंत जी मुंबई से आप 21 रुपए, उमाकांत जी असम से विजय है, राखी कुमारी बिहार से आप 21 रुपए, सरा शर्मा दिल्ली से आप 22 रुपए, बीना कुमारी रीना कुमारी हिमाचल प्रदेश से 1100 रुपए, घनश्याम जी तारा रेबाड़ी से विजय 4400 रुपए, कमला जी प्यारेलाल जी आप दिल्ली से, विजेंद्र सिंह जी आप पठानपुर पंजाब से विजय, सरदी देवी आप मेहताब सिंह जी 11000 रुपए का योगदान आप दे रहे हैं। इसी श्रेणी में राजकिशोर जी चौधरी आप दौलतपुर से 4400 रुपए, निशा जी करण जी मुस्कान दौलतपुर से 33 रुपए, जगदीश सिंह जी राजगढ़ से 11 रुपए, राम प्यारे साहू गीता जी रायपुर से विजय है, देवेंद्र साहू जी आप 51 रुपए, सनोप जी पांडे आप दिल्ली से आप विजय है, मोना देवी जम्मू से आप 31 रुपए, सुधीर प्रसाद जी सेना पटना बिहार से आप 21000 रुपए, सावित्री देवी आप दिल्ली से विजय है, विवेकानंद जी पटना बिहार से आप 21 रुपए, रंजना सिंह जी पटना से आप 21 रुपए, कुमारी बिंदा पटना से 21 रुपए, नीतू सेना पटना से आप 21 रुपए, बिटल जी भारूलाल जी आप महाराष्ट्र से विजय है, मीना देवी पटना बिहार से विजय सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रेणी में महेश प्रसाद जी गुप्ता बिहार से 25000 रुपए, साक्षी विवेक जी फरीदाबाद से विजय, बलेश्वर जी सहारनपुर से विजय है, कुमकरण विश्वकर्मा छत्तीसगढ़ से विजय, गोकुल चंद अग्रवाल आप कोलकाता से 5100 रुपए, ओम प्रकाश शर्मा राजस्थान से विजय 5100 रुपए प्रदान कर रहे हैं, अजय कुमार जी आप निशा गुप्ता जी नेपालगंज नेपाल से, साथ ही नरेला देवी से विश्वनाथ देवी 51000 रुपए आप सभी सेवाओं के लिए दे रही है, विश्वनाथ देवी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में गुड्डू जी ब्रजलता जी धर्मदास जी वर्मा महाराज से 31 रुपए, ओम सिंह ज्वेलर्स आप सुनील कुमार वर्मा रोहिणी दिल्ली से 15000 रुपए, हवन जी मंडली आप जीरकपुर पंजाब से 11000 रुपए, नेताजी नंदा जी जसपुर से आप 22000 रुपए, ओडिशा से और 25000 रुपए आप प्रदान करें, गोदान की पावन सी बगली सुखपाल जी आप हरियाणा से 21 रुपए, करणजीत कासगंज से आप विजय सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रेणी में शिवचरण जी मंडल आप भागलपुर से विजय सब, बीके जी ननियाल नोटियाल आप देहरादून से विजय सब, वरुण कुमारी भागलपुर बिहार से 3151 रुपए, शशि गर्ग आप दिल्ली से 11100 रुपए, गुरुदान शाहजहापुर से 11000 रुपए, किरण जी बलौद से विजय सब, बबली शुक्ला पंजाब से विजय सब, अनिता रानी पंजाब से, आरती आहूजा अकाजी आगरा से 11000 रुपए, वैष्णो जी कोलकाता से 25000 रुपए और 7000 रुपए अन्य सेवाओं के लिए, कृष्णा देवी हिमाचल से आप विजय सब, निर्मला देवी 2200 रुपए आप हिमाचल प्रदेश से, गोपाल सिंह जी हिमाचल से विजय सर, श्री गोपाल सिंह जी आशा देवी हिमाचल से 11000 रुपए, राम सिंह जी मथुरा से 7000 रुपए अन्य क्षेत्र की भवन सेवा के लिए। इसी श्रेणी में नरेंद्र जी गुप्ता जम्मू से आप 5100 रुपए, सुरेश कुमारी पंजाब से आप 21 रुपए प्रदान करें, साथ ही 11000 रुपए राधे राधे परिवार देहरादून उत्तराखंड से, दर्शन कुमारी जम्मू से आप 2500 रुपए, राकेश जी गुवाहाटी से आप 31 रुपए, साथ ही आदित्य पाठक जी चमिला माता जी बनारस से आप 21000 रुपए, बीगा जी वेस्ट बंगाल से विजय, तुषारचरण जी राजस्थान से विजय, दुर्गादास जी राजस्थान से विजय, सुषमा जी बिंद्रा जम्मू कश्मीर से विजय से 10000 रुपए, उमाकांत श्रीवास्तव आप उड़िया से, मंजू वर्मा जी उज्जैन से विजय, नीचू जी मुरादाबाद से 21 रुपए, पूनम भारत साहू जी बिहार से 5000 रुपए, रविंद्र कुमार जी मंडला बिहार से विजय के हाथ तक बढ़ा रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में 11000 रुपए अन्य क्षेत्र बाम सेवा की, जोगिंद्र पाल जी पंजाब से, मनोहर लाल जी पंजाब से, क्या बलबीर जी गाजियाबाद से विजय है, हर्षराज जी गुप्ता लखनऊ से विजय, अवंती देवी आप विशेष है उत्तर प्रदेश से, काशीराम साहू जी नीमत साहू जी, नमिता साहू धमतरी से आप 3000 रुपए, लता देवराजी निषाद धमतरी से आप विजय सहयोग, रजत जी निषाद जी दिल्ली से विजय सहयोग प्रदान करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में सुशील कुमार जी आप दिल्ली से आप विजय से, शांति जी बरेली से 11000 रुपए, मताराम जी दत्ता बोकारो से विजय, संतोष जी दत्ता बोकारो से विजय, साथी संतोष जी दत्ता विजय सहयोग के हाथ बुला रहे हैं, फूलवती शर्मा जी लखीमपुर खीरी से, अमन राज शर्मा संजू शर्मा लखीमपुर से आप 21 रुपए, रजन जी मेवाड़ से विजय, विक्रम कुमार हिमाचल प्रदेश से आप विजय सहयोग के हाथ आगे बुला रहे हैं। इसी श्रेणी में
31,000 रुपए। प्रेमलता जी गुप्ता आप रोहतक हरियाणा से, मनीष जी गुप्ता रोहतक से आप 31,000 रुपए। कमलेश सिंह जी फरदाबाद से, किशोर भी राजी राजो रानी आप बुलंदशहर से विजेता है। हांसी अग्रवाल जी बुलंदशहर से विजेता है। सोनी जी पीलीभीत से विजेता है। सभाग्नि फरदाबाद से आप 22,000 रुपए। पंकज जिंदल आप दिल्ली से 11,000 रुपए। सीता जी महोबा हरे राम शर्मा चौधरी से, पुष्पा देवी आप शाहजहांपुर से। प्रेमलता जी ताराचंद जी गुड़गांव से विजेता है। गोविंद जी पानीपत से 11,000 रुपए। संतोष जी आप राम स्वरूप जी झुंझुनू राजस्थान से विजेता है। बांकी बिहार जी के नाम से सवाई माधोपुर से राजस्थान से 31,000 रुपए। 2,715 रुपए। सीमा जी अलीगंज से दान कर रही है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। रजत सैनी जम्मू से विजेता है। सतीश सैनी न्यूजीलैंड से आप विजेता है। जनक नंदन जी बिलासपुर से आप 21 रुपए। मुनि देवी गुप्ता महोली से आप पंजाब से विजेता है। हृदय जी मंजूरता लाखा जी राजस्थान से। कृष्णा जी आप दिल्ली से 11,000 रुपए। फूल कुमारी सोन बदला से विजेता है 4,300 रुपए। रमेश देवी आप दिल्ली से प्रदान कर रही है। साथ ही श्रेणी में विनय कुमारी जम्मू से आप 2,100 रुपए। महेश विश्वकर्मा गोरखपुर से 11,000 रुपए। रामप्रकाश जी मैं तो बिहार से आप 21 रुपए। राधा रानी के नाम से 25,000 रुपए। अमर कुमार मिश्रा दिल्ली से आप विजेता है। रीवाजी गुप्ता विपिन गुप्ता जम्मू से आप विजेता है। राधिका जी चौधरी वेस्ट बंगाल से। साथ ही समारी बाई जी आप विजेता है। संतोष गुलाटी चंडीगढ़ से 3,000 रुपए। बिना कारा देहरादून से 5 रुपए। किशोर राज अग्रवाल आप हिमाचल से विजेता है। दीपक गुप्ता सुषमा गुप्ता नोएडा से 11,000 रुपए। 52,000 रुपए। शांति देवी आप सोनभद्र से। गीता गुप्ता दिल्ली से आप 21,000 रुपए। 4,000 रुपए। गोमती जी आप त्रिलोकचंद जी सोलपुर से दान करें। मुनि नरेंद्र जी विजेता हसुबेन जी प्रजापति से दरियापुर से 2,000 रुपए। गिरीश कुमारी अहमदाबाद से 2,000 रुपए। जसवंत जी भरतपुर राजस्थान से। कमला जी भरतपुर राजस्थान से। प्रमोद कुमार जी आप अलीगढ़ से। राम प्यारे जम्मू से आप 2,100 रुपए। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में देव जी आप वेस्ट बंगाल से आप विजेता है। हाथ बुला रहे हैं। रीना जी प्रधान जी बिहार से विजेता है। पीयूष शर्मा जी बधाई से आप 51 रुपए। कस्तूरी लाल जी आप लुधियाना पंजाब से 11 रुपए। रानी शर्मा जी दिल्ली से आप 21 रुपए। निर्मल कुमार सीतापुर बिहार से। दुष्मती शंकर जी आप हरियाणा से विजेता है। महावीर जी मलिक आप राजस्थान से विजेता है। जगन्नाथ जी महतो धनबाद से विजेता है। उत्तम दिवंगत आप बिलासपुर से आप 21 रुपए। धन कुमारी खटवाल आप उत्तम से विजेता है। जयदीप प्रसाद जी गाजीपुर से विजेता है। राजगीर सेना मधुबनी बिहार से। प्रेम रानी गोयल आप कानपुर से 11 रुपए। प्रेमदास शर्मा जी आप उत्तराखंड से विजेता है। रामपति जी रणवीर जी भरतपुर राजस्थान से विजेता है। हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। कमला रानी दिल्ली से आप विजेता है। साथ ही ममता सिंह जी जमशेदपुर झारखंड से। उमंग वर्मा जी बिलासपुर से। सीताबाज जी बिलासपुर से। हिंदी भूषण गुप्ता जी जम्मू से आप 21 रुपए। नीति जी गोरे धनबाद से आप 3,000 रुपए। उषा देवी अमृतसर पंजाब से आप सभी सेवाओं के लिए 1,00,000 रुपए का योगदान दे रही हैं। उषा देवी जी अमृतसर पंजाब से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे शनि में आप ही की तरह नविता जी गुप्ता आप भी 1,00,000 रुपए का सभी सेवाओं के लिए योगदान दे रहे हैं। 8,000 रुपए। भीमलाल जी कालका से। कमल जी कालका से विजेता है। शिवराज जी प्रजा राजस्थान से विजेता है। स्वर्गीय श्री राजवाला के नाम से 11 रुपए। दक्षा रोडा जी दिल्ली से विजेता है। मनीष जी पूनम जी गुप्ता गोरखपुर से। प्रियंका यादव जी अल्प राजस्थान से। ज्योति जम्मू से और समीर रजनी जम्मू से विजेता है। हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मला परिवार दुर्ग से विजेता है। बीना देवी हाथरस से। मनमोहन जी चौरसिया रीता विश्वकर्मा जी आराध्या कश्यप जी लखनऊ से। राज गोयल जी लुधियाना पंजाब से। बिहार जी वृंदावन से 51 रुपए। माया देवी बलरामपुर से विजेता है। जनक लाल जी संतोष कुमारी रायपुर से। छत्तीसगढ़ से 4,000 रुपए दे रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में मीनावती देवी आप आजमगढ़ से। ओम प्रकाश जी ममता देवी आप बांका से। राहुल केला से 11,000 रुपए। शोभा जसवाल जी मुंबई से विजेता है। सीताराम जी माथुरा बिहार से विजेता है। सुशीला देवी मिश्रा शुक्लागंज से 11,000 रुपए। रमाशंकर जी मिश्रा शुक्लागंज से 21,000 रुपए। सोनू मनोहर जी छत्तीसगढ़ से विजेता है। ममता जी चावला आप विजेता है। हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी कुमारी उधम सिंह नगर से विजेता है। अभी पंजाब से विजेता है। जोनी जी आप पंजाब से विजेता है। शंकर यादव जी नोएडा से 3,251 रुपए दे रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में पार्वती देवी आप नोएडा से 31 रुपए। प्रभावती देवी आप दर्शन जी गोरखपुर से। अशोक नगर से 11 रुपए। शंकर शाह जी आप शर्मा शाह जी दिल्ली से विजेता है। अमर सीताराम जी नागपुर से विजेता है। उमा गुप्ता राजवीर जी अभय जी नोएडा से विजेता है। चंद्रकला जी बोधी राजस्थान से 2,000 रुपए। नीलम देवी आप देवबंधु प्रसाद जी गोपालगंज बिहार से 21,000 रुपए दे रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी देवी चंद्रमा जी जयपुर राजस्थान से। रुकमणी शर्मा जी रायगढ़ से। संजय गोयल जी दिल्ली से आप 10,000 रुपए। सभी सेवा के लिए सारथी प्रधान जी गुप्ता फरीदाबाद से। सरोज सिंह जी गुड़गांव से 5,000 रुपए। सागर जी गाजियाबाद से। रामप्रसाद जी चौधरी आप धनबाद झारखंड से 31 रुपए। 51 रुपए। प्रेमता जी आप अलीगढ़ से। प्रकाश जी अधिकार आप मिर्जापुर से। मनीष कुमार सगोराज काजगंज से। प्रेमला जी ठाकुर आप हीरापुर से। संध्या देवी हमीरपुर से। गधर्व जी सिंह आप होशियारपुर पंजाब से। सुषमा देवी होशियारपुर पंजाब से 11 रुपए। मनीष कुमार जी आप धनीश कुमार सरदार जी गुजरात से 11 रुपए। महेंद्र सिंह जी विष्णु यशोमन विष्णु मुर्दाबाद से। चंचला देवी आप हिमाचल से। दर्जी सिंह आप हिमाचल से विजेता है। 2,500 रुपए। देव कुमारी दिल्ली से। सोनला जी लखनऊ से विजेता है। हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। अजय शनि में अमरलाल जी पंडित आप कहता से 11,000 रुपए। कमले जी उत्तम नगर दिल्ली से आप 11,000 रुपए। 26 रुपए अंशी विजय कुमारी पांडे कटनी से। अनिल कुमार जी आप बिहार से। स्वीटी कुमारी पटना बिहार से। दिव्यांश जी श्री गंगानगर राजस्थान से। गोपाल प्रसाद जी मध्यप्रदेश से। दिनेश जी मेरा देहरादून से। श्री राधेकृष्णा के नाम से। सरोज शर्मा जी बिजनौर से। इंद्रा देवी शर्मा राजस्थान से। कीर्तन मंडली आप नैनीताल से। शांति देवी मणिपुर से। झलक जी आप 2,100 रुपए हरियाणा से। संतोष जी पंजाब से। और भगवती देवी पूजा जी मुर्दाबाद से 5,100 रुपए। शिव कुमारी भाटी आप भोपाल से। भोपाल मध्यप्रदेश से 11,000 रुपए। आप अन्य क्षेत्र में 17,000 रुपए। माओ की सेवा के लिए उठा जी मेरा
सुरेंद्र से विजय बनसरा जी बिहार से 11वें, सरदार देवी प्रमोद कुमार जी पटना बिहार से 30वें, कदम जी आप लात कवर राजस्थान से 11वें, मीनू वर्मा आप सादर दिल्ली से विजय दर्शन जी गोयल आप दिल्ली से विजय संतोष यादव जी दिल्ली से, रामचंद्र जी आप बिहार से, मोदी शुक्ला आप बिहार से, गुरुचरण शर्मा दिल्ली से 11वें, सुमेर सिंह जी सोलंकी राजस्थान से 5वें, राजन देवी दीक्षित आप कानपुर से आप 20,000 रुपए, अभिनय रानी आप रमेश कुमार फरीदाबाद से आप भी 20,000 रुपए दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में महाशर्मा नेपाल से आप 2100 रुपए, लालचंद्र जी जौनपुर से आप 2100 रुपए, प्रमोद जी आजमगढ़ से, अशोक जी पांडे नोएडा से 2500 रुपए, लता प्रसाद जी दिल्ली से, रामचंद्र जी राठौर ललितपुर से आप 21,000 रुपए, गौरव जी आप बलीगढ़ से, बिमलदेव दिल्ली से आप 22,000 रुपए, निशा शर्मा दिल्ली से, रमेश जी को राजस्थान से 11,000 रुपए, भोले प्रसाद देवी बिहार से 5,000 रुपए, नीरंद देवी गोपालगंज से आप 21,000 रुपए, मुनीष शर्मा आप सुरेशन शर्मा बुलंदशहर से आप दान करें सभी सेवाओं के 73,000 रुपए, मुनीष शर्मा जी सुरेशन शर्मा, स्वर्गीय अनुप कुमार अनुप जी सागर के नाम से गुड़गांव से 10,500 रुपए, और शांति स्वरूप शर्मा जी सिर से 5,000 रुपए दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवी महापुरुषों के लिए जिन्होंने अपने योगदान के पावन हाल तक बढ़ाते हुए इन सीमाओं से जोड़ा है, पुण्य लाभ अर्जित किया है, ऐसे सभी दानवी महापुरुषों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए मैं निवेदन करूंगा जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन यहां बैठे हैं, अथवा अपने घर बैठे संस्कार और साधना के माध्यम से इन दानवी महापुरुषों के नाम सुन रहे हैं, सेवाओं के दर्शन कर रहे हैं, आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ें और पुण्य लाभ अर्जित करें। आइए माओ का सहारा बनेंगे, गौरी गोपाल क्षेत्र पावन सेवा में संतों को भोजन कराएंगे, साथ ही रसोई की पावन सेवा से उठकर भक्तों को जरूरतमंदों को हजार लोगों को प्रसाद पवाएंगे, वो भी अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, और पुण्य की प्राप्ति करेंगे। इसी के साथ में अन्यत्र और भी सेवाएं संत निवास कार्य के लिए भूमिदान आप कर सकते हैं, गौ माताओं की पावन सेवा से जुड़कर गौदान कर सकते हैं, और भी बहुत सारी सेवाएं चल रही हैं, आप जिस सेवा में चाहें उस सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। जो लोग यहां हैं उनके लिए काउंटर यहीं लगा है सीढ़ियों के पास में, जो लोग घर बैठे उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या फोन नंबर और QR कोड देखा जा रहा है, ताकि वो लोग घर बैठे अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सकें। अब आइए चलेंगे आज के मधुर मंगल वेला की ओर, एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़े ही भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे। हरि श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमां, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से लोहरी का नाम सब भक्तों को अनिरुद्ध की, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीता राम।
हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर 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 नाम तेरा। नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा। हो गए, हो गए, जय हो। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। नील जाति के बानर राम नाम लिख दिया शिला पर। नील जाति के बानर राम नाम लिख दिया शिला पर। हे नल नील जाति के बानर राम नाम लिख दिया शिला पर। हे नल नील जाति के बानर राम नाम लिख दिया शिला पर। हे नल नील जाति के बानर राम नाम लिख दिया शिला पर। हे नल नील जाति के बानर राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई, हो हो गई, हो गई सेना पार, लेकर नाम तेरा। हो गई सेना पार, लेकर नाम तेरा। अजी हो गई सेना पार, लेकर नाम तेरा। हो गई सेना पार, लेकर नाम तेरा। दुलारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हरी सभा में
द्रुपद दुलारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी हरी सभा में द्रुपद दुलारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी हरी सभा में द्रुपद दुलारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी बढ़ गया हो बढ़ गया जय हो बढ़ गया चीरे अपार लेकर नाम तेरा बढ़ गया चीरे अपार लेकर नाम तेरा आज बढ़ गया चीरे अपार लेकर नाम तेरा बढ़ गया चीरे अपार लेकर नाम तेरा गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा जने आधा नाम पुकारा गरुण छोड़ कर उसे उबारा गजने आधा नाम पुकारा गरुण छोड़ कर उसे उबारा गजने आधा नाम पुकारा गरुण छोड़ कर उसे उबारा गजने आधा नाम पुकारा गरुण छोड़ कर उसे उबारा गजने आधा नाम पुकारा गरुण छोड़ कर उसे उबारा गजने आधा नाम पुकारा गरुण छोड़ कर उसे उबारा किया हो किया जय हो किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा आज किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा प्रभु नाम तेरा हरे नाम तेरा नाम तेरा प्रभु नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा आज हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा श्री राम जय राम जय जय राम 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 हरे श्री राम जय राम जय जय राम 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 हरे श्री राम जय राम जय जय राम हो श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हरे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम भक्तवत्सल भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गौरी गोपाल भगवान की जय श्री यमुना मैया की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म
भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, संस्कार टीवी और साधना चैनल पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का गौरी गोपाल मंदिर में, गौरी गोपाल आश्रम में आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कथा में आप सब प्रवेश करने जा रहे हैं, आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि गौरी गोपाल भगवान की शरण में आकर आप भगवान की दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। साधना चैनल पर कथा का रसपान करने वाले सभी भक्तों को भी जय श्रीमन्नारायण। कैसे हैं आप सब लोग, आनंद है? भगवान की कृपा से ये आनंद आपका दिनों दिन बढ़ता ही रहे। भगवान की कृपा आप पर, आपके परिवार पर यूं ही बनी रहे, यही मंगल कामना आप सभी के लिए। भगवान की कृपा से हम नित्य भागवत जी की कथा सुन रहे हैं और इस कथा में आप सभी दूर दूर से आकर के कथा का रसपान कर रहे हैं। परीक्षित बन करके प्रताप सिंह जी, मैया श्री उर्वशी देवी जी, श्री रविंद्र यादव जी, राजेंद्र यादव, गुड्डू यादव जी, लक्ष्मी देवी, गोविंद यादव, निशा यादव, आप दिल्ली से आकर के प्रेम पूर्वक कथा का रसपान कर रहे हैं। एक बार पूरे परिवार के लिए सुंदर करतल ध्वनि कि आप लोग भागवत जी के लिए समय निकालते हैं। भीखम प्रसाद तिवारी जी, श्रीमती मंदाकिनी तिवारी जी, हेमंत तिवारी जी, श्रीमती प्रीति तिवारी जी, दीपक तिवारी जी और समस्त तिवारी परिवार बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, एक बार सुंदर करतल ध्वनि आप सभी के लिए। श्रीमती प्रेमलता, श्रीमती प्रेमला, प्रेमला नारायण केंद्री जी अहमदपुर महाराष्ट्र से, श्रीमती छाया तुकाराम केंद्री जी, चंद्रशेखर सीताराम मुंडे, सा परिवार आप आए हैं, एक बार सुंदर तालियां आप श्री के लिए। भरद्वाज परिवार, लीला देवी असवाल जी, प्रवीण चौधरी जी, लक्ष्मी देवी चौधरी जी, दिव्यांश चौधरी जी, देव विश्व दामाद गौरव जी, आप श्रीवास्तव गौरव श्रीवास्तव जी, हिमशिखा जी साथ आप सभी नेहरू नगर दिल्ली से आप आए हैं, एक बार सुंदर तालियां आप सभी परिवारी जनों के लिए, जो यहाँ आए हैं वो और जो यहाँ नहीं आ पाए टीवी पर सुन रहे, सबके लिए मंगल कामना। सब पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे, यही आप सबके लिए मंगल कामना है। भगवान की कृपा आप सभी पर यूं ही बनी रहे। कल हम लोगों ने कथा की गंगा में डुबकी लगाई और आप सबने जीवन को कृतार्थ किया। कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि मनु जी की तीन बेटियों का चरित्र क्या है, अब मनु जी के दो बेटों का चरित्र सुनेंगे। मनु जी के दो बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव, और ध्रुव जी ने बहुत कम आयु में ही वो कर दिखाया जो बड़ी लंबी आयु वाले लोग भी नहीं कर पाते। क्या किया था ध्रुव जी ने, क्या किया था? कम उम्र में ही भगवान को पा लिया। कैसे पाया था ध्रुव जी ने भगवान को, क्या किया था? गुरु जी ने मंत्र दिया था और उस मंत्र को श्रद्धा से जप किया था, यही तपस्या है। नारद जी ने मंत्र दिया, उस मंत्र को उन्होंने श्रद्धा से जपा। गुरु जी जो मंत्र देते हैं उस मंत्र को श्रद्धा से जो जपेगा उसी से उसका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज के जमाने में चेले ऐसे मिलते हैं कि वो चेले होते ही नहीं, वो खुद गुरु होते हैं। उन्हें मंत्र दो तो बोलते हैं गुरु जी हम तो वो वाला जपते थे, तो जब जपते थे तो ये काहे ले लिया। आज के समय में गुरु के वाक्यों पर, गुरु के वचनों पर लोगों को विश्वास नहीं है, इसीलिए कल्याण नहीं होता। जो मंत्र गुरु जी देते हैं वही मंत्र श्रद्धा से जपना होता है।
हमारी पसंद क्या थी? देखो, शादी के पहले आप किसी लड़के से प्यार करती हो, शादी के पहले आप मतलब आपने किसी एक लड़के से प्यार किया, लेकिन अब आपका विवाह किसी दूसरे पुरुष से हो गया, तो पुराने वाले को भुला दें कि इससे भी मिलना जुलना चालू रखें? उत्तर दो। कल्याण किसमें है आपका, पुराने वाले में या जो अभी मिला है विवाह के बाद? किसमें कल्याण है आपका, विवाह के पहले वाले में कल्याण है या विवाह के बाद वाले में? उत्तर दो, किसमें कल्याण है, विवाह के पहले वाले से? विवाह के पहले आपने किससे प्यार किया मायने नहीं रखा जाएगा, वो तो आपके संस्कार हैं कि आपका चरित्र बना या बिगड़ा, लेकिन समर्पण तो ये है कि जिससे आपका विवाह हुआ है बस उसी में मन लगाएं, उसके सिवा सपने में भी दूसरे का चिंतन ना हो। अच्छे लोग तो ये हैं कि उसके बाद स्वप्न में भी दूसरे का चिंतन ना हो। तो जो गुरु जी ने मंत्र दिया है वही आपके इष्ट हैं, और वो मंत्र जपो और अपने इष्ट के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी दूसरे देवी देवता का चिंतन नहीं, केवल भगवान का चिंतन। जो मंत्र गुरु जी ने दिया है, गुरु वचनों पर विश्वास, उस राह पर चल पड़ो। गुरु जी ने कह दिया राम राम, तो राम राम ही तुम्हारा, जो मंत्र गुरु जी ने, तुम्हारे गुरु जी ने कह दिया कि ये तुम्हारा मंत्र है, कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपो, तो श्रीमन्नारायण ही जपना है। अब श्रीमन्नारायण और राम और कृष्ण इन तीनों को एक ही मानो। अब ये थोड़ा आपको ज्ञान होना चाहिए कि कृष्ण और राम क्या है। कई बार गुरु जी हर बात नहीं समझाते, गुरु जी को लगता है ये बातें तो आपको पता होंगी, पर आपको पता नहीं होती। जैसे आपके गुरु जी ने कहा कि आज से आपके इष्ट राम है, और आपको राम जी का पंचाक्षर मंत्र दे दिया, आपने मंत्र जपा, आपने गुरु जी ने बोला है कि ये इष्ट आपके राम है, तो फिर आप क्या करने, कुछ लोग क्या करने लग जाते हैं कि वो राम से तो प्रेम करते हैं पर कृष्ण से नफरत करने लग जाते हैं कि कृष्ण हमारे इष्ट थोड़ी है। अब इन मूर्खों को गुरु मंत्र लेने के पहले ये बात समझा देना चाहिए, इनको ये समझ लेना चाहिए कि जब तुमसे बोला जाए राम, तो राम का मतलब सिर्फ राम नहीं, राम का अर्थ केवल राम नहीं, राम मतलब कृष्ण, राम मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब राम, और राम कृष्ण मतलब विष्णु, और विष्णु मतलब नारायण। इनको पहले ये समझाओ कि राम और कृष्ण ये दो नहीं है। कोई आपसे बोले कि आपके इष्ट कृष्ण है, तो इसका मतलब ये छोड़ी कि तुम राम से नफरत करने लग जाओ। अरे जो राम है वही कृष्ण है, पहले ये समझो। अब जैसे किसी ने बोला कि राधा, तो आप तो राधा राधा जपो, लेकिन कुछ लोग राधा तो जप रहे हैं पर सीता से नफरत है। अरे सीता ही राधा है, त्रेता में सीता, द्वापर में राधा, कलयुग में गोदाम्बा, वही राधा वही सीता इस कलिकाल में मां गोदाम्बा बनकर के प्रकट हुई। गोदाम्बा, मां गोदाम्बा का चरित्र जानते हैं? उत्तर भारत में गोदाम्बा मां को नहीं जानते लोग, 1% लोग भी नहीं जानते। दक्षिण भारत में गोदाम्बा मां को साक्षात राधा रानी ही गोदाम्बा मां है। गोदाम्बा मां जिनका विवाह भगवान रंगनाथ जी से हुआ। गोदाम्बा मां कौन है? साक्षात राधा लक्ष्मी, जिनका विवाह किनसे हुआ? रंगनाथ भगवान से। किनसे हुआ? रंगनाथ भगवान कौन है, कौन है? हाँ, रंगनाथ भगवान वो है
जब भगवान नारायण लेटे हैं ना और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, तो कोई आपसे पूछे कि ये जो भगवान नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी जो चरण दबा रही हैं, ये वाला ओरिजिनल मंदिर कहाँ है भारत में? वो कौन सा मंदिर है जिस मंदिर में भगवान नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही? ओरिजिनल पुराना कौन सा मंदिर है? नहीं पता ना? हमारा सनातन धर्म कितना बड़ा है, कितना विस्तृत ज्ञान है। आप लोग ना सीमित ज्ञान में, संकुचित ज्ञान में सीमित रह जाते हैं, इतने से ज्ञान में। इससे ज्यादा आप संभाल नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जबकि हमारा सनातन धर्म विशाल सागर की तरह है, तो भगवान नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, भगवान विश्राम की मुद्रा में है, वो मंदिर कहाँ है? श्री रंगम कहाँ है? ये देखो मंदिर, टीवी पर आप देख लो, ये रंगनाथ भगवान है। भगवान नारायण लेटे हैं ना, पीछे लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और सामने गोदाम्बा माँ भगवान के सामने है, माँ गोदाम्बा। ये दक्षिण में मंदिर है। कहाँ मंदिर है ये? गोदावरी नदी। किस किसने सुनी है? सुना है, कभी दर्शन हुआ गोदावरी नदी का? ये गोदावरी नदी दक्षिण में है और इसी नदी के तट पर श्री रंगम है। क्या है? श्री रंगम, रंगनाथ भगवान। कौन भगवान? रंगनाथ भगवान, श्री रंगम, जहां पर रंगनाथ भगवान का बहुत विशाल मंदिर बना हुआ है। तिरुपति बालाजी का नाम सुना है? तिरुपति बालाजी से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर रामेश्वर, सुना है? दक्षिण में रामेश्वरम, रामेश्वरम से लगभग 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर की दूरी है, लगभग मदुरई के पास। दक्षिण में क्या है? मदुरई, मदुरई के पास ये स्थान है। तो आप लोग भी, भगवान नारायण लेटे हैं तो नारायण वही। अच्छा, ये रंगनाथ भगवान कौन है जानते हो? पहले रंगनाथ भगवान अयोध्या जी में रहा करते थे, भगवान राम के पिता दशरथ इन्हीं रंगनाथ भगवान की पूजा करते थे और भगवान राम भी इन्हीं रंगनाथ भगवान की पूजा करते थे। फिर विभीषण जी ने कहा कि हे राम जी, आप ये अपने भगवान हमें दे दो। तब राम जी दे दिए और विभीषण जी लेकर लंका ले जा रहे थे, परंतु शर्त थी कि तुम रास्ते में कहीं भगवान को रखोगे नहीं। तो भगवान जी को उन्होंने गोदावरी नदी तट पर रखा, फिर वो उठे नहीं। विभीषण जी ने कहा, प्रभु आप लंका कैसे चलोगे? भगवान रंगनाथ बोले कि मैं अपना भारत छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम्हारी तरफ मैं देखूंगा, चिंता ना करो। आज भी विभीषण जी भगवान रंगनाथ जी का पूजन करने रोज आते हैं। विभीषण जी अमर है ना, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च। ये सात लोग मार्कंडेय जी सहित आठ लोग आज भी जीवित हैं, आठ लोग, आठ चिरंजीवी हैं। तो विभीषण जी आज भी आते हैं, जैसे मैहर में आला उदल का सुना होगा आपने, मैहर वाली माता जी का प्रथम पूजन करने कौन आता है? आला उदल। उसी तरह भगवान रंगनाथ जी का पूजन करने विभीषण जी आते हैं लंका से नित्य। दक्षिण में है ये मंदिर, भगवान राम के इष्ट रहे हैं। ये देखिए, ये मंदिर है, ये है रंगनाथ जी का मंदिर, इतना विशाल है कि पूछो ही मत। ये रंगनाथ भगवान का मंदिर है। इसी मंदिर में 1000 साल पुराने
हमारे श्री रामानुजाचार्य जी, ये देखिए रामानुजाचार्य जी का चित्र विग्रह स्वरूप। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी 1000 साल पहले से धरती पर आए और जब इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया तो इनका शरीर जब इनके शरीर का अंतिम संस्कार करने लगे तो रंगनाथ भगवान रो पड़े, मेरे रामानुज को मत ले जाओ, बोले यहीं बिठाओ। आश्चर्य मानेंगे आप, आज के वैज्ञानिक युग में ये बात आप विश्वास करें, यदि ना करें तो अपनी आंखों से जाकर देख लें। मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं होगा मैं जो कहूंगा, इसलिए आपको जाकर देखना चाहिए। 1000 साल पुराना रामानुजाचार्य जी का शरीर आज भी इस मंदिर में ज्यों का त्यों रखा हुआ है, लोग दर्शन करते हैं। ये उनका शरीर, ये रहा टीवी पर आप देखिए, ये श्री रामानुजाचार्य जी का ओरिजिनल शरीर है। केवल चंदन का लेप होता है, तिलक होता है, आप जाकर देख सकते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने आकर देख, हमारा तुम्हारा शरीर दिन दो दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, वरना कीड़े नहीं पड़ जाएंगे, खत्म हो जाएगा, बदबू आएगी। पर देखिए हमारे रामानुजाचार्य जी, जो कि साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार थे, जो इस संसार में धर्म का प्रचार करने आए, उन्हीं की परंपरा से ये दास अनिरुद्ध दीक्षित है, मंत्र दीक्षा लिया है, वही परंपरा है हमारी। हमारी जो परंपराएं सैकड़ों साल पुरानी है, कोई आज की थोड़ी। इसलिए गुरु बनाने जरूरी होते हैं, क्योंकि गुरु से ही परंपरागत ज्ञान मिलेगा, बिना गुरु के परंपरागत ज्ञान कैसे मिलेगा। पुस्तकी ज्ञान तो कोई भी पुस्तक पढ़ के आप पढ़ लो, लेकिन पुस्तक पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता, जब तक वो पुस्तक गुरु से ना पढ़ी जाए तब तक उसका रहस्य समझ में नहीं आएगा। अर्थ तो समझ में आ जाएगा, रहस्य भी होता है, जो रहस्य पुस्तक में लिखा नहीं होता वो समझाना पड़ता है, वो परंपरागत ज्ञान होता है। जैसे बाप की संपत्ति परंपरा से बेटे को मिलेगी, दादा की संपत्ति आपके पिता को मिली, पिता ऐसी परंपरागत ज्ञान होता है। परंपरागत क्या होता है? ज्ञान, कि वो ज्ञान हमारे गुरु से ही हमें मिलेगा। जब गुरु शरणागति होती है, और गुरु भी वो ज्ञान सबको नहीं देते, सैकड़ों शिष्य होते हैं, उन सैकड़ों शिष्यों में जो योग्य शिष्य होता है, गुरु वो ज्ञान, गुप्त ज्ञान उस शिष्य को प्रदान करता है जो योग्य शिष्य है। तो श्री रामानुजाचार्य जी हमारे आचार्य हैं। ये जो हमारी संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, हमारी संप्रदाय का नाम क्या है? श्री संप्रदाय। ये दास अनिरुद्ध श्री हमारे इस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय क्यों पड़ा? श्री नाम है लक्ष्मी जी का। भगवान नारायण के चरण दबाते हुए लक्ष्मी क्या जपती है पता है आपको? आपको पता है जो मंत्र हमारे गुरु जी ने हमें दिया परंपरागत, जो अष्टाक्षर मंत्र है, वो मंत्र लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाते दबाते वही मंत्र का जाप करती हैं, जो मंत्र हम जपते हैं, जो मंत्र हम अपने शिष्यों को देते हैं, वो मंत्र लक्ष्मी जी ने विश्वक्सेन जी को दिया, फिर वो उन्होंने अपने शिष्य, मतलब वो परंपरागत मंत्र परंपरा चली आ रही है, और उसी परंपरा में आज आप लोग यहां बैठ के कथा सुन रहे हैं। इसलिए बाजार से कोई भी मंत्र नहीं जपना चाहिए। अब जैसे आप लोग जपते हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र तो अच्छा है, लेकिन आप यूं ही जपने लग जाओ तो इसका लाभ नहीं होगा। पर यही मंत्र जब गुरु जी देंगे, क्योंकि गुरु जी जब इस मंत्र को परंपरागत प्राप्त करेंगे, उसका जप करेंगे, तो जप करने से वो मंत्र जाग जाएगा, फिर वो जागा हुआ मंत्र आपको दिया जाएगा। तो मंत्र सरदार है, ऐसे थोड़ी कि कोई भी मंत्र आप जपने लग गए। इसलिए गुरु होते हैं कि गुरु के बिना मंत्र नहीं होता। आप कोई भी मंत्र जपिए उसका कोई लाभ नहीं है।
हनुमान जी को भी गुरु बनाना पड़ा, भगवान सूर्य है, हाँ या ना? हनुमान जी तो सबके गुरु हैं, तो हनुमान जी को क्या जरूरत थी गुरु बनाने की। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी सबके गुरु हैं, भगवान कृष्ण सबके गुरु हैं, फिर उन्हें गुरु बनाने की क्या जरूरत थी? फिर क्यों उन्होंने शांडिल ऋषि को गुरु बनाया? क्यों राम जी को गुरु बनाना पड़ा वशिष्ठ जी को? क्योंकि ये गुरु परंपरा है, ये धरती में आए हो तो इस परंपरा को फॉलो करना चाहिए, यही धर्म है। फिर तो नहीं करो तो मनमाना है, जो मन में आया वो कर लिया, जो मन में आया। इसलिए मन चाहा नहीं, मन माना नहीं, गुरु परंपरा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जिन्होंने हमें मंत्र दीक्षा दी, शंख चक्र दिया, इस संप्रदाय से जोड़ा और ज्ञान जितना पूज्य गुरुदेव भगवान ने पढ़ाया लिखाया दिया, दिया तो उन्होंने बहुत, पर हमारी पात्रता ही नहीं थी बहुत कुछ लेने की। गुरुदेव भगवान ने तो कृपा कर दी और स्वीकार कर लिया और पतित को भी भगवान के चरणों से जोड़ दिया। हम भी पतित थे, भटके हुए राह पर थे, पर हमें भी गुरुदेव भगवान मिले और उन्होंने, हमने 2010 20 जनवरी 2010 सुबह लगभग 9:30 से 10:30 के बीच में हमने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान से गुरु दीक्षा प्राप्त की थी और उन्होंने जब हमें मंत्र दिया, जिस दिन मंत्र दिया, जिस क्षण मंत्र दिया, उसी क्षण मैंने अपने जीवन को एक अलग जीवन महसूस किया। गुरु मंत्र लेने के पहले का जीवन अलग है और गुरु मंत्र लेने के बाद का जीवन अलग है। मरा हुआ व्यक्ति है वो जिसके जीवन में गुरु नहीं है, जिंदा है वो जिसके जीवन में गुरु की कृपा है। इसलिए ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान अभी कुछ दिन पहले हम सबको छोड़ करके भगवत धाम चले गए पूज्य गुरुदेव भगवान, और अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से हमारे गुरुजी इतने प्रेम, इतना प्रेम था भगवान से कि गुरुजी जब हमें भागवत जी पढ़ाया करते थे तो पढ़ाते पढ़ाते ही वो रोने लग जाया करते थे, रोते थे, गुरुजी की आंखों में आंसू आ जाते थे पढ़ाते पढ़ाते, इतना भाव, इतना प्रेम, ऐसी दिव्य विभूति, ऐसा दिव्य ज्ञान, ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जिनका, जिनके हम सदा ऋणी रहेंगे। कई जन्म लेने के बाद भी उनका ऋण चुका ना पाएंगे। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको जब छोड़ कर गए तो मिले तो ऐसा लगा कि भगवान मिले, गए तो ऐसा लगा कि भगवान हमें छोड़कर चले गए। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान जिनकी कृपा से, जिन्होंने यहाँ का नाम गौरी गोपाल, ये नाम जो है हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने ये नाम दिया, ये दास अनिरुद्ध, हमारा नाम 2010 के पहले अनिरुद्ध नाम नहीं था, हमारा नाम कुछ और था, पर जब हमने मंत्र दीक्षा ली तो मंत्र में पंच संस्कार होते हैं, उनमें एक नामकरण संस्कार होता है, तब हमारे गुरुदेव ने ही, हमारा नाम पहले था, घर का नाम तो अन्नू था, स्कूल का नाम अनिल कुमार तिवारी, अनिल नाम था, फिर गुरुजी ने कहा कि आज से तुम्हारा नाम होगा अनिरुद्धाचार्य। प्रथम बार गुरुजी ने हमें अनिरुद्धाचार्य कह करके पुकारा 2010 में, गुरुजी ने हमें अनिरुद्धाचार्य नाम दिया। बस उसके बाद जो हमारा नाम पुराना
अब तो वो नाम हम ही लगभग भूल रहे हैं, और गुरु जी का दिया हुआ नाम, गुरु जी की दी हुई दीक्षा, गुरु जी का दिया हुआ प्रसाद, जो ज्ञान उन्होंने दिया, जो राह उन्होंने बताई, उसी राह पर चलते हुए ये अपना जीवन, समगुरु जी ने कहा कि समाज की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, उन्हीं के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। गुरु वचनों पर विश्वास, जीवन में विश्वास गुरु वचनों पर कर लेना चाहिए। गुरु साक्षात भगवान ही होते हैं, भगवान डायरेक्ट आकर मार्गदर्शन कैसे करेंगे, इसलिए उन्होंने गुरु का बंदोबस्त किया है कि मैं गुरु के रूप में, गुरु तत्व के रूप में आऊंगा और तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हें ज्ञान दूंगा, तुम्हें सही राह बताऊंगा, इसलिए गुरु। आज गुरुदेव भगवान की कृपा से आप सबको भागवत सुनाकर यहां की सेवाएं, चाहे वो माओ की सेवा हो, अन्य क्षेत्र की सेवा हो, इन सेवाओं की जितनी भी सेवा का कार्य है, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान सब कुछ देखते थे। हम कथा यहां कहते थे तो गुरुजी टीवी पर घर पे कथा बिस्तर पर लेटे लेटे ही कथा सुना करते थे। आज गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं इस तरह से चल रही हैं कि सारी दुनिया इन सेवाओं को देखकर सीख रही है सेवा कैसी होती है। गौरी गोपाल परिवार ने सेवा कैसी होती है ये दास अनिरुद्ध ने कहकर नहीं बताया, करके बताया है, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि बेटा कहो कम करो ज्यादा, कहो कम और करो ज्यादा। आज मैं आपका एक छोटा सा परिचय और कराऊं। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी ये वृद्ध माता मैया रहती हैं और आज इनको लेने के लिए इनके पोता आए हैं। एक बार सुंदर तालियों के साथ इनका सम्मान करें, स्वागत करें कि आज माँ को लेने के लिए भैया जी आए हैं। कहाँ से आए हो भैया? भैया हम भिंड जिले से आए। कहाँ से? भिंड जिला। भिंड जिला से, ठीक है? हाँ ठीक है सर। मैया की सेवा करेंगे ना? मैया की सेवा कर, सर वो ले जा रहे हैं तो करेंगे इनकी। हाँ सेवा करना खूब है, भगवान आपको सुखी रखें। आप उन लोगों से बहुत अच्छे हैं जिनकी माँ, जिनकी दादी यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में है तो सही, पर सालों बाद भी कोई लेने नहीं आया। कम से कम ये भैया अपनी दादी को लेने तो आए, भगवान करे आप सुखी रहें, आप फूलें फलें खूब, माओ का आशीर्वाद आपको मिले और माओ की सेवा यूं ही करते रहें। गौरी गोपाल आश्रम से जब कोई माँ जाती है तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो देर सवेर बच्चों को अपने माँ की याद आई और अब ये ले जाकर उनकी सेवा करेंगे। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें। मैया आप ठीक हैं? ठीक है। आप खुश हैं मेरी माँ? खुश है। आप आपको यहाँ अच्छा लगा गौरी गोपाल आश्रम? अच्छा लगा। यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं कोई तकलीफ। ये कौन है आपके? वो भैया जो आए हैं? नाती। पोता है? नाती है। पोता। तो लेने आए हैं आपको? लेने आए। अच्छे से रहिएगा, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई? अरे नहीं आपकी गलती। आप यहाँ खुश हैं? खुश थे जब तक थे? खुश है। यहाँ रहने को कोई पैसे तो नहीं लिए थे हमने आपसे? गौरी गोपाल आश्रम में ये माताएं, कितने महीने हो गए आपको मैया, कितने वर्ष? मेरे को ध्यान नहीं है, हो गए 3-4 वर्ष। 3-4 साल हो गए। 3-4 वर्ष बाद चलो बेटा पोता आया है और मैया यहाँ रही, इन 4 वर्षों में कोई दिक्कत नहीं हुई, जो बन पड़ी ये दास ने सेवा की, और हमारा धर्म है सेवा करना। इन माओं के, जब हम इन माओं की सेवा करते हैं तो इन माओं के अंदर रोम रोम से दुआएं निकलती हैं। आज आप किसी बेसहारे को सहारा दे दो, किसी भूखे को रोटी दे दो, आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता साहब। आप किसी का सहारा बनेंगे, जब वो आपकी सेवा से तृप्त होगा तो रोम रोम आपके लिए उसका आशीर्वाद देगा। और गौरी गोपाल आश्रम में
यह दास अनिरुद्ध पर आप सभी भक्तों का और वृद्ध माओं का आशीर्वाद है, और जब आपका आशीर्वाद हुआ तब मेरे भगवान ने भी मेरे पर कृपा की। भगवान आपको सुखी रखे, मैया आप खुश रहिए। भगवान की कृपा के हम लोग ये दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं। ये सुंदर सी भागवत जो आपको ये दास अनिरुद्ध सुना रहा है, ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा के बल पर ही आपको हम सुना पा रहे हैं। खुश रहिए, ठीक है। देखो ये माँ, ये साक्षात तुम, ये माँ छोड़ी है, ये भगवान है ना। ये माँ के रूप में कौन है? भगवान है ना। इसमें झूठ नहीं है, सही बोल रही हो आप। सही है, माँ भगवान होती है। माँ भगवान तो भगवान ही होती है जी। चलो आप खुश रहिए, आते रहा करो कभी गौरी गोपाल। आपका एक बेटा ये भी है ना, हम आपके बेटा कभी आपको इस बेटे की याद आए तो आते रहा करो, आना जाना बनाए रखिए, ठीक है। और कोई हमारे लग सेवा नहीं? हमारे लग कोई सेवा आज्ञा नहीं? आपके लिए क्या सेवा है, आप तो सेवा ही हो। आप तो सेवा ही हो, बढ़िया है, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। भगवान की कृपा है बेटा, हमारो का आए जा दुनिया में कच्छु डा, भगवान को ऐसा। खुश रहिए, आशीर्वाद दो कि आप ऐसी माताओं की सेवा ये दास करता रहे। आशीर्वाद दो। जीवन में आप लोग ना एक छोटी सी मेरी बात याद कर लेना, काम आएगी। हमारी पढ़ाई लिखाई एक तरफ, पद प्रतिष्ठा एक तरफ, पैसा कौड़ी एक तरफ, इन सबको एक बार किनारे करके एक बार एक छोटा सा काम कर लीजिएगा कि बस आप किसी के काम आ जाइएगा, आप किसी के काम आ जाइएगा। यदि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके पास बहुत डिग्रियां हैं, सवाल ये नहीं है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, सवाल ये है कि आपकी पढ़ाई समाज के कितने काम आई। बात समझ में आ रही है? महत्वपूर्ण आपकी डिग्रियां नहीं है, महत्वपूर्ण ये बात बहुत महत्व रखती है कि आपकी शिक्षा ने समाज को क्या प्रदान किया, क्या दिया। आपकी पद ने, आपकी प्रतिष्ठा ने, आपकी कामयाबी ने समाज को क्या मैसेज दिया, समाज को क्या दिया। यदि मेरी, अब देखो ये दास अनिरुद्ध, मेरे पास बहुत डिग्रियां नहीं है, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि मेरी थोड़ी सी पढ़ाई वृद्ध माओं के काम आ रही है, समाज के काम आ रही है। मेरी चुल्लू भर शिक्षा समाज के काम आ रही है। उन बेटों का हृदय बदल गया जो अपनी माओ को घर से निकालते थे,
देर सवेर अपने माओ की प्रति आस्था सम्मान जागा तो सही। मुझे तसल्ली है इस बात की कि मेरी शिक्षा, देखो आपकी शिक्षा ने आपका भला किया, आपके परिवार का भला किया, तो आपका भला, आपके परिवार का भला तो कुत्ता बिल्ली भी अपना और अपने परिवार का भला कर लेते हैं। अपना और अपने परिवार का भला करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये अपना और अपने परिवार का भला तो पक्षी पशु सब कर रहे हैं, कुत्ता बिल्ली सब कर रहे हैं। कुत्ता बिल्ली भी सब अपने बच्चों को पता होता है, बिल्ली को कि बच्चों को दूध पिलाना है, समय से पहुंच जाती है, अपने सारे बच्चों को दूध पिला देती है। पक्षी उड़कर जाता है आहार लेकर के अपने घोंसले में लौटता और अपने छोटे छोटे बच्चों को पक्षी खिलाते हैं। तो अपना और अपने परिवार का पेट भरना बहुत बड़ी बात नहीं है, समाज की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, यही मानवता है, यही धर्म है, समाज के काम आओ। अपने बच्चों को इस तरह तैयार करो कि वो केवल अपना और अपने परिवार का पेट भरने वाले ना बने, बल्कि वो समाज के काम आए, राष्ट्र के काम आए, देश के काम आए। बात समझ में आ रही है? इसलिए मुझे खूब संतुष्टि है मेरे अपने जीवन से, मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से, ना भगवान से शिकायत है, ना परिवार से शिकायत है, ना आपसे शिकायत है। मैं कभी शिकायत करता ही नहीं किसी से, किसी की। मैं केवल धन्यवाद देता हूँ विधाता, आपने जो मुझे मानव का, भगवान का धन्यवाद देता हूँ कि विधाता आपने मुझे मनुष्य का शरीर दिया। मैं तो मनुष्य के शरीर के लायक था ही नहीं, वो तो प्रभु ने कृपा की है कि मानव का चोला दिया है। तो मैंने भी सोचा कि ये मानव का चोला जल्दी चला भी तो जाना है। अब बताओ हम कितने दिन के लिए और हैं? कोई नहीं जानता कि हम अभी कितने दिन के लिए और हैं। ये मानव का शरीर हमें मिला है, पता नहीं ये शरीर कितने दिन काम करता है। इसलिए ये जो शरीर है ये बिना भरोसे का है, ये जो जीवन है बिना भरोसे का है, पता नहीं कब तक चले कब ना चले। इसलिए जब तक है, जब तक चल रहा है, तो समाज की सेवा जी भर के कर लो, बाद में पछतावा ना रह जाए कि पहले क्यों नहीं किया, कर लिया। जो करना है जल्द कर, क्यों बैठा है मौन, पल में प्रलय होएगी, पल की जाने कौन। मैं कल के इंतजार में नहीं हूं, मैं कल की बात ही नहीं करता, वर्तमान। कल किसने देखा है? हम कल के लिए जीते ही नहीं है, जो कल के लिए जिएंगे वो कल के लिए जीने वाले परेशान होंगे, हम तो आज के लिए जी रहे हैं। प्रत्येक क्षण जो अभी मिल रहा है, इस क्षण को बेहतर बनाओ, बस। कल की चिंता में आज को तबाह ना करो। और आप क्या करते हैं? कल की चिंता में वर्तमान बिगाड़ते हैं, फ्यूचर की चिंता में प्रेजेंट को बिगाड़ते हैं, हाँ या ना? अरे जो कल होगा तो कल देखेंगे, आज तो हंस लो, आज हंसने का मौका हंस लो, नाचने का मौका नाच लो, गाने का मौका गा लो, आज हंस लो, गा लो, नाच लो, ईश्वर को याद कर लो, कर लो सेवा समाज की, कर लो। कल किसने देखा है? कल की क्यों सोचना, मैं कभी नहीं सोचता कल की। आज का जीऊंगा, आज कथा सुनाऊंगा, अपना कथा सुनाकर आज का काम बेहतर करके जाकर बिस्तर में जब सोऊंगा तो मैं ऐसे सोता हूँ, सोता नहीं ऐसे सोता हूँ कि मैं मर गया, कल फिर जीवन देंगे भगवान, तो कल की कल देखेंगे। कल की चिंता करे और आज रात को ही निपट गए तो, इसलिए कल का मैं सोचता ही नहीं। हाँ, कल की प्लानिंग करनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल की प्लानिंग करना है। गौरी गोपाल आश्रम में अब ये व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो कल की प्लानिंग तो होगी ना कि कल भोजन में क्या बनेगा, कौन सी सब्जी बननी है, कल की प्लानिंग आज ही करनी पड़ेगी, उस हिसाब से कल सवेरे सब्जी आएगी मंडी से। तो प्लानिंग कल की करना है, चिंता और प्लानिंग दोनों अलग विषय है। मैं चिंता की मना कर रहा हूं कि कल की चिंता मत करो, कल की प्लानिंग करो।
बात समझ में आई? क्या करना है? कल की बेहतर प्लानिंग करो कि कल ऐसे ऐसे काम करना है, कल ये काम करना है। कल की क्या करोगे? जोर से प्लानिंग। क्या नहीं करोगे? चिंता और प्लानिंग एक है कि अलग अलग है? और आप लोग क्या करते हैं? आप लोग प्लानिंग कुछ नहीं करते, सिर्फ चिंता। अरे चिंता करने से क्या होगा? मूर्ख हैं वो लोग जो चिंता कर रहे हैं। समझदार लोग प्लानिंग करते हैं, चिंता नहीं करते। कल की प्लानिंग क्या कहते हो? मैया क्या बोलती तू? क्या करोगे कल? प्लानिंग। बेटी सयानी हो गई है, विवाह कर देना चाहिए, तो विवाह की प्लानिंग करो। लड़का ढूंढना स्टार्ट करो, लड़की ढूंढना स्टार्ट करो, प्लानिंग करो। पैसे बचाओ, प्लानिंग करो। अब आप क्या प्लानिंग? कुछ नहीं। लड़का बड़ा, महाराज जी बेटी बड़ी हो रही है, सयानी हो रही है, क्या होगा होगा। अरे पागल, चिंता काहे कर रहा है? प्लानिंग करो। तो ये सुंदर सी कथा है ध्रुव जी की। ध्रुव जी छोटी सी आयु है और निकल पड़े भगवान का चिंतन करने के। रास्ते में गुरु जी ने क्या दे दिया? मंत्र। गुरु जी ने जो मंत्र दिया उसका जाप किया, ध्रुव जी ने भगवत प्राप्ति हो गई। गुरु वचनों पर जो भरोसा करेगा, ध्रुव ने भरोसा किया, प्रहलाद ने भरोसा किया, मीराबाई ने। गुरु मीराबाई क्या बोली? चलो मेरे संग गाओ। मीराबाई गा रही है, वस्तु अमोलक दी मेरे सत गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सत गुरु। मेरे गुरु ने क्या दी है? वस्तु अनमोल दी है। करी कृपा अपनायो। करी कृपा मतलब उन्होंने कृपा करके मुझे अपनाया, और जब अपनाया तो पायो जी मैंने पा लिया। कौन सा धन? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई गा रही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सत गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सत गुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मीरा ने क्या बोला कि मुझे किसने अपना लिया? मेरे गुरु ने अपना लिया। और गुरु ने अपना कर क्या दे दिया? कौन सा धन दे दिया? कौन सा धन दिया? राम नाम का धन दे दिया। मीराबाई क्या जपती हैं? जोर से मीराबाई क्या जपती हैं? क्या जपती हैं? मीराबाई जपती हैं गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिर। पर मीरा क्या बोलती हैं? पायो जी मैंने राम रतन, क्योंकि मीरा की नजर में जो परंपरागत गुरु से जुड़ा होगा वो व्यक्ति राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं मानेगा। इसलिए मीराबाई ने बोला, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, क्योंकि मीरा की दृष्टि में कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं। तो गुरु के बिना मीरा को ज्ञान नहीं, इसलिए गुरु। ध्रुव जी महाराज ने 6 महीने की आयु और 6 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में 6 महीने तप किया, और 5 महीने तप करके 6ठा महीना लगते ही भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होकर ध्रुव जी से कहा, पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु क्या मांगे? भगवान ने कहा, कुछ तो मांगो।
अपने शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। भगवान जब कृपा करते हैं तो व्यक्ति पढ़ लिख करके भी लोग इतना ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते जब भगवान की कृपा। देखो ज्ञान पढ़ना लिखना तो ठीक है, चाहिए पढ़ना लिखना, पर ज्ञान पढ़ने लिखने से ज्यादा गुरु कृपा से प्राप्त होता है, भगवान की कृपा से। लिखा मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। मूकं करोति वाचालं, जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलने लग जाता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। ये किसकी कृपा, मैं बोल रहा हूं, ये मेरा बल नहीं, ये भगवान बुला रहे हैं इस वाणी से, तो उनका बल है। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने दर्शन दिया, कृतार्थ किया, उन्होंने 36,000 वर्षों के लिए ध्रुव जी राजा बने। अंत में उनके भाई को यक्षों ने मारा, फिर उन्होंने मारा यक्षों को, मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति दी, माँ को लेकर भगवत धाम ध्रुव जी चले गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में भ्रमी हुए कल्प वत्सर, इन्हीं के पुत्र हैं ध्रुव जी के, इन्हीं के वंश में अंग हुए फिर बैन, फिर प्रथु भगवान हुए इन्हीं के वंश में, जिन्हें 10,000 कान भगवान नारायण ने दिए और प्रचु भगवान ने पृथ्वी का दोहन करके पृथ्वी को सुव्यवस्थित किया। पुरंजनोपाख्यान की चर्चा, देवर्षि नारद जी ने प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान सुनाया, अविज्ञात और पुरंजन। हम जीव पुरंजन है, ईश्वर अविज्ञात है। हम संसार में उलझ जाते हैं और उलझने के कारण जन्म मृत्यु में फंस जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, स्त्री विवाह हुआ तो पत्नी से प्यार हो गया, पति से प्यार हो गया, बच्चे हुए बच्चों से प्यार हो गया, घर मकान बना लिया घर मकान से प्यार हो गया। आप वस्तुओं में उलझ जाते हैं। फिर क्या होता है, पत्नी मरती है तो पुरुष रोता है, मेरी पत्नी चली गई, हे भगवान तुमने बड़ा गलत किया। पति मरता है, पत्नियां रोती हैं, हे भगवान तुमने बड़ा गलत कर दिया। अरे भाई आप ये बताओ, इस संसार का नाम क्या है, ये कौन सा लोक है, उत्तर दो, ये कौन सा लोक है, जोर से, मैया, ओ पंचायती मैया सुन लो मेरी मां। अच्छा ये बताओ ये कौन सा लोक है, मृत्यु लोक है, तो इस मृत्यु लोक में आप लोग क्यों आए हैं, मरने के लिए, कौन है आप में से ऐसा जो नहीं मरेगा, तो मरने के लिए ही जन्म हुआ है। भाई जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो जब मृत्यु निश्चित है तो फिर किसी के मरने में इतना शोक क्यों, हां थोड़ा तो रोना बनता है, थोड़ा तो ठीक है कि भाई दुख लगता ही है, जिससे प्रेम है वो चला गया तो दुख ठीक है, लेकिन ये सत्य नहीं भूलना चाहिए कि ये मृत्यु लोक, ये मर जाना ही सत्य, इस संसार में कुछ सत्य हो ना हो पर मृत्यु सत्य है। इसलिए आप लोग इतना जो उल्टा सीधा रोते हैं ना, सबसे खतरनाक तो माताएं रोती हैं, बस इन्हें पता बस चल जाए कि कोई मर गया है, फिर देखो ऐसे रोती हैं, ऐसा लगते नहीं कि रोती हैं, ऐसा लगता हंस रही हैं और फिर हा अरे मेरे चाचा हा अरे मेरे काका हा ऐसी रोती ना माताएं
इतना भी क्या शोक करना। ये संसार में आए हो तो मरना ही पड़ेगा। रोता कौन है? अज्ञानी। ज्ञानी ये जानता है कि भाई अपनी भी तैयारी कुछ दिनों बाद हो जाएगी, इसलिए अज्ञानी लोग परेशान बहुत हैं। आप लोग पैसा मिल गया तो बहुत ज्यादा उछल कूद करने लग गए, नहीं मिला तो रोने लगे, जबकि ज्ञानी हर सिचुएशन हर स्थिति में सम रहता है। कुछ ना मिलने पर वो परेशान नहीं होता और सब कुछ मिल जाने पर भी वो उछलता कूदता नहीं, गंभीर रहता। तो ये गंभीरता आनी चाहिए, इस गंभीरता के बिना आपके जीवन में सुख नहीं आ सकता। स्थिरता चाहिए। बरसात की नदी होती है ना, बारिश जरा सी आई तो बाढ़ आ गई, फिर देखो गर्मियों में मुंह बाई पड़ी है नदियां, कोई पानी नहीं है। समुद्र हमेशा देखो, कितनी भी बारिश हो जाए समुद्र में बाढ़ नहीं आती। हर नदी में बाढ़ होगी पर समुद्र में बाढ़ नहीं होगी, और हर नदी में सूखा पड़ जाएगा पर समुद्र में सूखा नहीं पड़ेगा। वो हर समय बैलेंस बना के चलता है समुद्र। समुद्र गंभीर है, इसलिए हमें भी कैसा होना चाहिए? गंभीर। पुरंजन उपाख्यान की चर्चा यही सिखाती है कि हमें स्त्रियों का चिंतन करते मरोगे तो स्त्री बनना पड़ेगा, पुरुष का चिंतन करते मरोगे पुरुष बनना पड़ेगा, इसलिए स्त्री पुरुष से। अब आप कहोगे महाराज जी, पर पति पत्नी और बेटा बेटी सब में कैसे रहना बुरा थोड़ी है। आप लोग रह तो रहे हैं पर रहने का जो तरीका है वो गलत है। क्या गलत तरीका अपना रहे हैं आप लोग? आप लोग संसार में ऐसे रह रहे हैं जैसे कच्चा नारियल रहता है। नारियल दो तरह के होते हैं, ये कौन सा नारियल है? ये पक्का है कि कच्चा है? जोर से, ये पक्का हुआ ना? पका हुआ नारियल है। क्या पहचान है पके नारियल की और क्या पहचान है कच्चे नारियल की? कच्चा नारियल जो होगा वो खोपड़ी से चिपका रहेगा, जो नारियल की खोपड़ी होती है ना गोला, वो उससे चिपका रहता है। यदि आप नारियल का गोला तोड़ोगे ना तो अंदर वाला गोला भी टूट जाएगा। नारियल की खोपड़ी तोड़ोगे तो अंदर वाला गोला भी, जबकि पका हुआ नारियल को आप तोड़ोगे तो उसकी खोपड़ी टूटेगी पर अंदर का गोला, क्योंकि जो अंदर का गोला है वो बाहर की खोपड़ी से अलग हो चुका है और कच्चा चिपका रहता है। बात समझ में आ रही है? जैसे एक आदमी रो रहा था, महाराज मैं मर गया। क्यों? बोले मेरी पत्नी मर गई। एक पत्नी बोली, महाराज मैं मर गई, मेरा पति मर गया। तेरा पति मरा, तेरी पत्नी मरी, तो तू ये क्यों समझती है या समझता है कि मैं वो मरी है या वो मरा है? लेकिन आपको क्या लगा मैं मर गई मैं मर गया? क्योंकि आप कच्चे नारियल हैं, खोपड़ी टूटी तो गोला भी टूट गया, बाहर वाला टूटा तो आप भी टूटे टूटे लग रहे हैं कि भाई जी अब तो सब खत्म है, क्योंकि आप उससे अटैच थे कच्चे नारियल की तरह, जैसे वो चिपका था ना गोला से बाहर की खोपड़ी। तो कच्चा व्यक्ति वो है जो बाहर से अटैच हो जाए, लेकिन पका हुआ कौन है? जो रहे खोप, ये गोला नारियल का उसी खोपड़ी के अंदर रहता है लेकिन उसे चिपका नहीं है। पके नारियल को हिलाओगे तो अंदर से आवाज आएगी, मैं अलग हूं मैं अलग हूं मैं अलग हूं, आवाज आती है, वो अलग है। अब आपसे मेरा सवाल है कि परिवार में कैसे रहें, कच्चे नारियल की तरह परिवार के लोगों से चिपक के रहें या पके नारियल की तरह रहें परिवार में, पर परिवार के बीच में रह करके भी परिवार से अलग रहें, जैसे गोला नारियल की खोपड़ी के बीच में रहता हुआ नारियल की खोपड़ी से अलग है। आप बताओ कैसा रहना बेहतर है, कच्चे नारियल की तरह या पक्के नारियल की तरह? लेकिन आप कैसे हैं वर्तमान में, किसकी तरह हैं? कच्चे नारियल की तरह। बुढ़ापा आ गया फिर भी तुम चिपकी हो, पोता मेरा पोती मेरी, ये कच्चा नारियल ही तो है।
तुम्हारा बुढ़ापा आ गया फिर भी तुम्हारा मन भगवान में नहीं लग रहा है, पोता पोती बेटा बेटी में ही लग रहा है, बहू क्या कर रही है। अब बूढ़ी माँ तुम्हारी बहू जो करनी है करेगी, तुम अपना मन भगवान में पूरा क्यों नहीं लगाती हो, क्यों अपना नुकसान कर रही हो। ये मानव का शरीर तुम्हें अब कभी नहीं मिलेगा, बहुत 84 का चक्कर घूमने के बाद एक मौका तो मिलता है, कोई बार बार थोड़ी मौके मिलते हैं। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू किनर करुणा कर देही देत, कबहू किनर करुणा, कभी करुणा की भगवान ने तो ये मानव का शरीर दे दिया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव का शरीर दे दिया ईश्वर ने। अब दिया है तो अच्छे काम कर लो, परिवार में रहने को हम मना थोड़ी कर रहे हैं, पर पके नारियल की तरह रहो। किसकी तरह रहो? हाँ, कच्चे नहीं। आपका मन बेटा बेटी में ज्यादा है, बेटा बेटी को पढ़ा लिखा दो, योग बना दो, शादी ब्याह कर दो, चल भैया खुश रहे। अब तुम अपना ध्यान भगवान में लगाओ, कहां बच्चों के पीछे घूम रहे हो। आजकल बच्चे तुम्हें लाते मार रहे हैं, जूता मार रहे हैं, फिर भी तुम्हारा मोह ममता नहीं हट रही है। 100 जूते खाके भी तुम बेटा बेटी में लगे हो। बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं बेटी बेटी जपती रहती हैं, बेटी 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 कब आएगी, बेटी कब आएगी, बेटी कब आएगी, बेटी कब आएगी, बेटी बेटी। बूढ़ी बूढ़ी अम्मा पोता पोता मेरा पोता पोता पोता। अब तुम्हारी उम्र बेटी बेटी पोता पोता जपने की नहीं, राम राम कृष्ण कृष्ण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण पूर्ण रूप से समर्पण करने की आयु है। लेकिन अब कितना समझाएं, समझ में नहीं आता लोगों को। बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं फैशन में रहती हैं, बुढ़ापे में बाल पक गए तो मेहंदी पोत के लाल पीला कर लिया। इन्हें अभी बुढ़ापा बर्दाश्त थोड़ी हो रहा है, कोई आंटी कह बस दे तो गुस्सा आ जाता है। पड़ोस का बच्चा बोल दिया आंटी, तो आंटी गुस्से में, क्यों रे मैं तुझे आंटी लग रही हूं, हाँ 80 किलो ही तो वजन है मेरा, कौन सा 100 किलो है आंटी कह रहा। अब ये आंटी वांटी कहना सिखाया तुमने ही है, तुमने चाची कहना सिखाया होता तो मैं चाची कहता वो, तुमने भाभी कहना सिखाया होता तो भाभी कहता वो, अब तुमने सिखाया ही उसे आंटी, और फिर आंटी सुनने में बुरा भी लग रहा है, हमें आंटी कह रहा है, तो आंटी नहीं हो तो क्या हो। लोगों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, उन्हें ये सुनना कि जी हम बूढ़े हो गए, सदा जवान बने रहना चाहते हैं, है ना मैया। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि मृत्यु लोक है, ये मौत रोज आपके करीब आ रही है, धीरे धीरे मृत्यु रोज आपके नजदीक आ रही है। मौत तुम्हें बुलाएगी, उसके पहले तुम गिरधर गोपाल को बुला लेना, तब तो समझदार हो, भगवान को बुला लेना, वरना तुम्हारी गति बिगड़ जाएगी। भगवान को ना भूलो, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। नारद जी ने दिव्य ज्ञान दिया, वो हत्या करते थे प्राचीन पर ही उनको उपदेश किया कि हत्या वत्या ठीक नहीं है। प्रिय व्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से हुआ, इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभ देव जी हुए, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत, भरत जी गंडकी नदी पर गए तप करने के लिए। एक मृग का बच्चा पानी में बह रहा था, मृग के बच्चे को भरत जी ने बचा लिया और कुटिया पर ले आए। अभी रोज राम राम जप रहे थे, श्रीमन नारायण जप रहे थे, लेकिन अब वो मृग को बचाए, कुटिया पर लाए, मृग को घास खिलाए, पानी पिलाए, नहलाए। अब वो दिन भर मृग 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 मेरा मृग मेरा मृग मेरा मृग जपने लग गए। घर छोड़ा था, परिवार छोड़ा था भगवान के चिंतन के लिए, पर मन कहां लग गया, जंगल में एक मृग में। और याद रखिए मेरी माँ, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, आपका, हाँ पड़ोसन, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है,
मैया, ओ मैया, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है आपका? मन। और सबसे बड़ा दोस्त कौन है आपका? सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा मन, और सबसे बड़ा दोस्त है हमारा मन। मन यदि हमारे अनुकूल चले तो हमारा दोस्त है, और मन हमारे अनुकूल ना चले तो हमारा दुश्मन है। मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है। यदि मन हमारे कंट्रोल में है तो मित्र है, और मन हमारे कंट्रोल से बाहर है तो शत्रु है। इसलिए मन को कल हमने बताया था, कंट्रोल में रखो। अब देखो ना, भरत जैसे ज्ञानी का मन कहां लग गया? एक मृग में। और जब यमराज जी आए, मृत्यु आई, और जब मरने का समय आया तो वो मृग का चिंतन कर रहे, मेरा मृग, मेरा मृग। यमराज जी के पास चले गए। यमराज ने कहा कि आपने मरते समय मृग का चिंतन किया है, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। बड़े बड़े ज्ञानी, यदि आप अपना मन यहां वहां लगाएंगे तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए मन कहां लगाना चाहिए? मैया, मन लगाने चली हो? ये देखो, ये हमारी मैया बोली, अच्छा जाके ही लगाएंगे हम मन। मन कहां लगाना चाहिए? भगवान में, अच्छे कामों में। भारत जी को मृग बनना पड़ा, तीसरा जन्म मिला मनुष्य का, तब उन्होंने राजा रहुगण को उपदेश किया। सिंधु सौवीर देश का एक राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर सत्संग करने जा रहा था। राजा रहुगण को श्री भरत जी ने उपदेश किया। कहार एक बीमार पड़ गया, भरत जी को लगा लिया। चीटी इत्यादि नीचे पांव के नीछे आ रही थी तो भरत जी ने छलांग लगा दी। राजा रहुगण बोला, क्यों रे बड़ा उछल कूद कर रहा है? क्या जानता नहीं मैं कौन हूं? मृत्यु दंड दूंगा तूने, देख इतनी कूद लगाई, उछल कूद किया कि मेरा सिर पालकी से टकरा गया। राजा रहुगण को आज भरत जी ने उपदेश किया। भरत जी ने कहा, त्वयोदितं व्यक्तम अविप्रलब्धम भर्तु समय स्याद्यदि वीर भारः गंतुर यदि स्याद्यदि गम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवादः। भरत जी ने उपदेश किया राजा रहुगण को, राजन तू कह रहा है मुझे मारेगा, तू ही बता मरता कौन है, शरीर या आत्मा? बताओ कौन मरता है, किसकी मृत्यु होती है, शरीर की या आत्मा की? बोलो, शरीर की। शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है? पांच, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो जब आदमी चिता पर जलता है तो होता ये है कि जो अग्नि तत्व है हमारे शरीर का, वो अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाता है, जल तत्व जल में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, आकाश तत्व आकाश में, है ना, वायु तत्व वायु में। तो प्रत्येक तत्व पांच तत्व से बना था, और पांच तत्व में अंत में यह शरीर मिल गया। आप बताओ मरा कौन? यदि आपने माटी को, माटी से बना घड़ा, माटी से बना, उत्तर दो, माटी से बना घड़ा, और हमने घड़े को तोड़ दिया, तो क्या आप ये कहोगे कि घड़ा मर गया? क्या कहोगे आप? घड़ा टूट गया। तो उत्तर आप दीजिए कि जब घड़ा माटी से बना और मैंने उसे तोड़ दिया तो घड़ा कहां चला गया? बोलो, माटी से बना था और माटी में मिल गया, तो आपका शरीर भी पांच चीजों से बना था, पांच चीजें पांच में जाकर मिल गई। अब बताओ मरा कौन? उत्तर दो, मरा कौन? जो आप लोग कहते हैं ना मर गया, कौन मरा? शरीर, शरीर ही तो पांच तत्वों में मिला है, मरा कौन? नहीं उत्तर है ना?
कोई मरता ही नहीं है। यदि मरता है तो फिर मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो कि पांच तत्व पांचवा मिल गए तो मरा कौन? आत्मा मरती नहीं है, आत्मा मरती नहीं है। लिखा गीता में नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। तो मरा कौन? कोई नहीं। तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि ये मर गया? क्योंकि उस पांच तत्व में मिल जाने के प्रोसेस को लोग मृत्यु कहते हैं। वो नाम है मर जान, मरा नहीं है, पहचान दे दी, मर गया। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कोई मरता नहीं है। हमारा यह शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है, पांच में जाकर मिल जाएगा। आत्मा ईश्वर का अंश है, आत्मा ईश्वर का अंश है तो आत्मा ईश्वर से जाकर मिलेगी। अब बचा क्या? क्या बचा आप ही बताओ। शरीर और आत्मा के सिवा शरीर में और क्या चीजें हैं आप बताओ? आत्मा और शरीर के अतिरिक्त तो और क्या है आपके भीतर? फास्ट उत्तर दो। आपके अंदर आत्मा और आपका शरीर, इन दोनों के अतिरिक्त तीसरा क्या है? चलो ये बताओ कि ये नरक कौन जाता है, स्वर्ग कौन जाता है, दुर्गति किसकी होती है, सदगति किसकी होती है? क्योंकि शरीर तो यही चिता पे जल गया, आत्मा सुख दुख से परे है, फिर ये नरक कौन जाता है? कौन? आत्मा और शरीर, शरीर यही जल गया, आत्मा ईश्वर में मिल गई। लेकिन अभी एक चीज और है, वो है आपका मन, वो है आपका, जोर से, मन में चार चीजें हैं। मन में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार के समूह को मन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? मन। अब ध्यान दीजिएगा, नरक कौन जाता है? यमदूत किसे पकड़ते हैं, आत्मा को या मन को? आप कौन हैं? पूरा खेल किससे है साहब? आपके अंदर यदि आत्मा हो, आपका शरीर भी सुंदर हो, लेकिन आपके अंदर बुद्धि ना हो, मन ना हो, तो फिर आप कैसे होंगे? एक मैया अपने बच्चे को लेकर आई, बोले महाराज जी ना ये खाता है, ना ये हंसता है, ना ये रोता है, मतलब लुंज पुंज यूं ही। शरीर तो है, आत्मा है, लेकिन उसके भीतर क्या नहीं है? कोई मन नहीं है, है लेकिन वो इस समय एक्टिव नहीं है, बुद्धि है ही नहीं कि वो अपने लिए सही गलत का डिसीजन, वो कपड़े पहनाओ तो पहन ले, नहीं पहनाओ तो नहीं। मतलब बुद्धि होती तो आदमी अपने शरीर को ढकता है। अब 20 साल की लड़की है, उसके पास बुद्धि है तो वो कपड़े पहनेगी, और 20 साल की लड़की हो या लड़का हो, बुद्धि नहीं है तो वो कपड़ा नहीं पहनेगा। हाँ या ना? क्योंकि उसे कपड़े पहनने के फायदे नुकसान पता ही नहीं, बुद्धि नहीं, पागल। हाँ या ना? तो पूरा खेल किसका है? मन का। मन में चार चीजें आ गई, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं इसे, समझ में आ रही है? ये चारों का खेल है और इन चारों के समूह को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन चारों को क्या नाम दिया आध्यात्म ने, वेदों ने, पुराणों ने? सूक्ष्म शरीर। तो यमराज जब यमदूत आते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर निकालते हैं
उन्हें आत्मा से और शरीर से कोई लेना देना, सूक्ष्म शरीर, वही सूक्ष्म शरीर जाता है नरक, स्वर्ग यमराज उसी से हिसाब करते हैं कि रे मन तूने कितना पाप किया चल लिखवा, तूने कितना पुण्य किया चल लिखवा, तो आप लिखवाते हैं कि मैंने इतने मर्डर किए, इतने गला दबाए, इतनी चोरी की, इतना लोगों के साथ निंदा चुगली करी, और आप लिखवाते हैं मैंने इतना दान किया पुण्य किया। आपके पुण्य और पाप पूरा लिखा जाएगा, फिर यमराज जी आपके पाप पुण्य को देखेंगे, उस पाप पुण्य का हिसाब होगा आपके। जब हिसाब होगा तो क्या ज्यादा निकलेगा आपका, आपसे सवाल, क्या ज्यादा निकलेगा? लोगों से पूछ के मत बताओ, अपना खुद बताओ, क्योंकि ये गवाही आप ही दोगे एक दिन वहां। कौन, क्या ज्यादा निकलेगा पुण्य आपका मैया, पाप ज्यादा निकलेगा कि पुण्य? पाप आपका, ऐसे मुंह छिपाने से वहां ना काम बनेगा, वहां तो हिसाब पड़ेगा, लेट हुए तो पीछा कोड़ा लेके खड़ा और रहेगा, देर लगा था ले। क्या ज्यादा है आपका? पुण्य। और आपका पाप? आपका पुण्य। जिसका पुण्य ज्यादा है, जिसका पाप ज्यादा है, माना कि किसी का पुण्य निकला, पुण्य निकला 1 किलो, माना कि किसी का पुण्य निकला 1 किलो और पाप निकला 100 ग्राम, 100 ग्राम मानक। यदि आपके पाप 100 ग्राम हैं, तो वो 100 ग्राम पापों का भी आपको फल भोगना पड़ेगा। कैसे भोगना पड़ता है? यमराज जी आपको एक शरीर देंगे, 84 लाख योनियों का शरीर, कुत्ता बिल्ली चमगादड़ मधुमक्खी नाली का कीड़ा ये सब बना के भेजते रहेंगे, तुम अपना पाप दंड भोगते रहना। कुत्ता कौन है? ये कर्म दंड भोगने के लिए ही तो कुत्ते की योनि मिली है। नाली का कीड़ा कौन है? ये कभी मनुष्य रहे होंगे पर गलत काम किया, पाप किया, तो नाली का कीड़ा बनना पड़ता है साहब। एक बात बताएं, एक बार अर्जुन भोजन कर रहे थे और भोजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भोजन कर रहे थे, तो पास में आंगन था, पहले घर होते थे तो आंगन होता था, और आंगन कच्चे होते थे, कच्चे आंगन मतलब माटी ही माटी, प्लेन गोबर से लोग लीपते थे। तो अर्जुन ने देखा कि आंगन के किनारे में एक गुबरीला कीड़ा, गुबरीला कीड़ा जानते हो ना, गोबर खाने वाला कीड़ा होता है ब्लैक कलर का, जो गोबर का गोला बनाता है और उसे लुढ़काते हुए ले जाता है। आप में से कितने लोगों ने उस कीड़े को देखा है? उसे गुबरीला कीड़ा बोलते हैं। तो वो एक गुबरीला कीड़ा था, वो गोबर का गोला बना करके और लुड़का लुड़का के ले जा रहा था कि तभी उस गुबरीले कीड़े पर भगवान कृष्ण की नजर पड़ गई। तो भगवान मुस्कुराए, अर्जुन खा रहे हैं भोजन कर रहे हैं, अर्जुन ने भगवान को देखा, प्रभु आप उस कीड़े को देखकर मुस्कुरा क्यों रहे? भगवान बोले यह रहस्य है, तुम ना जानो, तुम खाओ। अर्जुन बोले नहीं, अब मैं नहीं खाऊंगा, पहले बताओ कि आपने उस कीड़े को देखकर आप क्यों मुस्कुराए? भगवान बोले मत पूछो अर्जुन, नहीं प्रभु बताओ। तब भगवान बोले अच्छा तुम जिद कर रहे हो तो सुनो, ये जो गुबरीला कीड़ा है ये पिछले जन्म के और पिछले जन्म में ये किसी जन्म के ब्रह्मा रह चुके हैं। ये जो आज गुबरीला कीड़ा गोबर खिसकाता हुआ जा रहा है, ये पिछले किसी जन्म में ये ब्रह्मा जी रह चुके हैं, ये ब्रह्मा बने थे किसी समय में, पर इन्हें उस ब्रह्मा पद का घमंड आ गया कि मेरे बिना तो सृष्टि हो ही नहीं सकती, तो फिर इन्हें उस ब्रह्म पद से निष्कासित कर दिया गया।
और बाद में ये अब देखो गुबरीला कीड़ा बने घूम रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि आज जितने जीव जंतु तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं, ये मानव का शरीर कोई हमारे और तुम्हारे बाप की बफौती थोड़ी है। अगले जन्म में तुम मनुष्य ही बनकर आओगे, इसकी क्या गारंटी है? अगले जन्म में तुम भारत में ही जन्म लोगे, इसकी क्या गारंटी है? अगले जन्म में तुम्हारी बुद्धि ऐसी पवित्र ही रहेगी, ऐसी क्या गारंटी है? इसलिए बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हाँ ही राम को नाम जप तुलसी तजिकु समाज। आज ही अपना कल्याण कर लो, क्योंकि 84 लाख योनियों में चले गए तो 84 लाख योनियां मतलब कई जन्म, मतलब कई युग बीत जाते हैं। कितने? कई युग, कई युग, युगों के बाद ये मानव का शरीर मिलता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, इसलिए दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़े भाग्य से मिला है, सवार लो। यमराज जी देखते हैं कि तुमने पाप किया तो पाप का दंड भोगने 84 लाख योनियों में, और जो तुमने 1 किलो पुण्य किया है उस 1 किलो पुण्य के बल पर यमराज जी बोले जाओ अब तुम्हें मनुष्य बना रहे हैं, जाओ अच्छे कर्म करना ताकि तुम्हारा मोक्ष हो जाए। तो ये मानव का शरीर जो पाए हो, ये पुण्य किया था तो पा गए, नहीं किया होता पुण्य तो नहीं पाते, पा गए हो तो अब मोक्ष पाओ। मानव शरीर पाकर क्या पाना होता है? सवाल आपसे बताओ, मनुष्य के शरीर से क्या पाना है? क्या पाने के लिए भगवान मनुष्य बनाते हैं? मैया, ओ मेरी मां, एक झोला कझा सुन ली मैया ने और झोला टांग के मैया चल पड़ी। अच्छा तो हम चलते हैं। है ना मैया? अब हमें एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। मैया, ओ मैया बैठो, मेरी मां, बार बार तुम उठक बैठक लगा रही हो। सुनो, एक छोटा सवाल है, ये लाल मैया उत्तर देंगे उस प्रश्न का, मोबाइल चलाने वाली मैया। उत्तर दो मेरी मां, बताओ ये मानव का शरीर हमें भगवान ने क्यों दिया है? क्या पाने के लिए? क्या पाने के लिए दिया है? मैया बताओ मेरी मां, ये लाल मैया बताएंगी? नहीं बताओगी? गुस्सा हो? नहीं। मैया सो रही हो क्या मेरी मां? मैया बताओ, ये मानव का शरीर क्या पाने को मिला है? मोक्ष। क्या पाना है? मोक्ष किसे कहते हैं? क्या है ये मोक्ष? जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा लेना। और ये मोक्ष कब मिलता है? जब भक्त भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, जब समर्पण करता है, तब क्या मिलता है? इसलिए समर्पण करिए। भरत जैसे ज्ञानी ने राजा रघुगण को उपदेश दिया, नरक जाने के बाद, स्वर्ग जाने के बाद ये सब चक्कर में ना पड़ो नरक स्वर्ग के, अच्छे कर्म करो, समर्पण भगवान में करो तो मोक्ष मिलेगा। बार बार क्या आए क्या जाए, संसार में क्या गोते खाएं, कोई बहुत बढ़िया नहीं है संसार। वो तो देखो जो जहां रहता है, पर रहते रहते नाली के कीड़े को नाली में ही अच्छा लगता है, सुअर को सुअर नाली में ही अच्छा लगता है। अब बताओ, सुअर नाले में रहता है, गंदगी खाता है,
उससे पूछो क्यों रे गंदगी क्यों खाता है, बोले तुम क्या जानो इसका स्वाद। तो वो सुअर को वही अच्छा लगता है। ऐसे ही आप लोगों की संसार में आदत हो गई है रहते रहते, इसलिए आपको ये संसार, ये पति पत्नी बेटा बेटी मेरा यही अच्छा लगता है। आपको तो लगता है हर जन्म में हम ऐसी आए, ऐसी गुता खाएं, ऐसी रहें, लेकिन ये संसार भी नाले से बहुत अच्छा नहीं है। नाले से अच्छा नहीं है, बस बात वैसी है ना कि सुअर को नाले ही अच्छा लगता, ऐसे आपको ये संसार, ये संसार तब तक अच्छा नहीं है जब तक मन प्रभु में ना लग जाए। यदि मन प्रभु में लग गया है तब तो बहुत अच्छा है ये संसार, और मन भगवान में लग जाए तो ये संसार में आना जाना, आना बुरा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अगले जन्म मत आओ, भगवान से प्रार्थना करो, हाथ जोड़ो, सब लोग हाथ जोड़ो, बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, अगले जन्म में यदि आप इस संसार में हमें भेजना चाहते हैं तो हे नाथ अपना भक्त बनाकर, अपनी सेवा देकर, अपनी अपना प्रेम देकर, अपनी भक्ति देकर ही भेजिएगा। हे नाथ हम आपके प्रेम से, आपकी कथा से, आपके नाम से वंचित ना हो जाएं। हे प्रभु हम पर ऐसी कृपा करो अगले जन्म में हम अपने कर्मों के अनुसार जहां जाएं आपके बनकर ही जाएं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। यदि आपने भगवान से इस प्रकार की प्रार्थना की कि प्रभु हम जहां जाएं आपके बनके रहें, आपको ना भुलाएं, तब तो फिर आप कहीं भी जाओ दिक्कत नहीं हो, जरा भगवान को भुलाए तो फिर बहुत गोते खाना पड़ेंगे। अब जो शराब पी के पड़े हैं, गांजा पीकर पड़े हैं, जो भगवान की शरण में नहीं है, जो भगवान की कथाएं नहीं सुन रहे हैं, इनकी क्या दुर्गति होगी इन्हें पता नहीं है, इन्हें अभी कुछ भी नहीं पता। एक बात बताएं, आज विज्ञान का युग है, यदि सुनामी आती है ना तो वैज्ञानिकों को पहले से ही सैटेलाइट से पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है। अच्छा सुनामी आ जाएगी फिर पता चले तो नुकसान हो जाएगा, आने के पहले पता चल जाएगी तो लोग सुरक्षित जगह पर चले जाएंगे। तो सुनामी आने के पहले पता चल जाना सही है ना। हाँ तो ये जो शराब पीने वाले हैं, पराई औरत पराए पुरुष के चक्कर में पड़े, भोग विलास में निंदा चुगली करने वाले लोग, इनके जीवन में बहुत बड़े दुखों की सुनामी आने वाली है। जब इनका हिसाब होने को आएगा तो ये रोएंगे माथा पकड़ के, हम बता रहे हैं कि सुनामी आने वाली है दुखों की। यदि तुम भगवान की शरण में नहीं आए तो अभी भी समय है, दूर हो जाओ, सुनामी आने वाली है तो समुद्र का किनारा खाली कर दो, सुनामी दुखों की आने वाली, अभी भी सुधर जाओ। निंदा चुगली पराई स्त्री पराए पुरुष से मन हर बुरे काम छोड़कर और भगवान की शरण में आ जाओ तो बचना ठीक संभव है, वरना ये सुनामी तुम्हारे बाप दादे याद दिला देगी, छठी का दूध याद आएगा। इसलिए सावधान कर रहे हैं, हो जाओ सावधान, कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह जैसों को बाणों की सैया पे लेटना पड़ा तो तेरा क्या होगा रे कालिया। समझ में आ रही है, अजामिल जैसे पापी ने भगवान का नाम जपा, क्या नाम जपा अजामिल ने,
श्रीमन नारायण। बेटे को बुलाया, बेटा 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 नारायण। बेटे ने नहीं सुना, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया। कहा जाओ मेरा भक्त पुकार रहा है, लेकर आओ। एक नाम के बल पर अजामिल तर गया। आप भी काम करते रहो और उस नाम का आश्रय लिए रहो। हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण। बोलो हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। अजामिल जैसे पापी का उद्धार हुआ। एक बार इंद्र ने वृत्तासुर से युद्ध किया, वृत्तासुर को मार गिराया इंद्र ने, और दधीची ऋषि की हड्डियों का इंद्र ने वज्र बनाया और वृत्तासुर का उद्धार। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे। कौन से राजा थे? चित्रकेतु। इनकी बहुत पत्नियां थी पर बेटा एक भी नहीं था। तो संत जी से कहा बेटा चाहिए। संत जी ने कहा तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं है, जिद मत करो। बोले नहीं बेटा चाहिए। तो संत जी ने कहा तुम बेटा तो होगा परंतु तुम्हें सुख और दुख दोनों देगा। बेटा हुआ 5 साल का। जब बेटा हुआ उसे बड़ा लाड़ प्यार किया। जब वो 5 साल का हुआ तो राजा की बहुत सारी रानियां थी, एक रानी को बेटा हुआ, बाकी रानियों ने उस बच्चे को जहर दे के मार दिया। बच्चा रो मर गया। राजा रानी रोए, तब नारद जी ने समझाए कि क्यों रो रहे हो। तो कहा महाराज मेरे पुत्र को जीवित करो। तो नारद जी ने उसे जीवित कर दिया। पिता बोला बेटा आ तुझे गले लगाऊं। उस बेटे ने कहा खबरदार आप मेरे कोई पिता विता नहीं हो। अरे कैसी बातें कर रहा है तू, मैं तेरा पिता हूं। उस पुत्र ने कहा पिताजी मेरे कितनी बार जन्म हो चुके हैं, आप लोगों के कितनी बार जन्म हो चुके हैं जरा बताओ, अपना हिसाब दो। आपके करोड़ों बार इस धरती में आपका जन्म हो चुका है, और जब करोड़ों बार जन्म हुआ होगा तो करोड़ों मां हुई होंगी आपकी, करोड़ों बाप हुए होंगे आपके, क्योंकि हर जन्म में एक मां और बाप की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना मां बाप के संयोग से जन्म हो ही नहीं सकता। तो हर बार आपकी एक मां और हर बार एक आपका बाप। उस बच्चे ने कहा पिताजी मेरे करोड़ों जन्म हो चुके हैं, आप किस जन्म के मां बाप हो? वो तो पिछले जन्म में मैं आपके घर गेहूं मांगने आया, आटा भिक्षा, तो आपने गेहूं का आटा दे दिया, तो आपके आटे से मैंने 5 रोटियां बनाई थी, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के आपके 5 रोटियों का हिसाब चुकाया। और आपने जब मुझे गाय का सूखा गोबर दिया था तो उसमें चींटियां बहुत थी, मैंने आग लगा दी थी, सारी चींटियां जल गई थी। वो सारी चींटियां इस जन्म में तुम्हारी पत्नी बनकर के आई हैं, और मैंने उन्हें जलाकर मारा था तो इस जन्म में उन्होंने मुझे जहर देकर मार दिया। वो तो भगवान को रोटियों का भोग लगा दिया था, तो एक ही जन्म में सबका हिसाब चुक गया, वरना करोड़ों जन्म लेके सबका अलग अलग हिसाब चुकाना पड़ता। इसलिए जो खाया करो पहले भोग लगाया करो, क्योंकि भगवान को भोग लगाते ही अन्न में जो दोष होते हैं वो भगवान को भोग लगाते ही अन्न का दोष नष्ट हो जाता है। इसलिए तुम ही निवेदित भोजन करें, बिना भोग लगाए अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, अन्न में दोष होते हैं, दोष भगवान को भोग लगाने से समाप्त तो हो जाता है। इस बच्चे ने कहा कि मेरे कितने जन्म हुए। अच्छा ये बताओ आपकी जो पत्नी है, पति है, बेटी है, बेटा, ये कौन है? ये पिछले जन्म के कोई आपका हिसाब चुका, हिसाब किताब ऋण बाकी था तो पत्नी बनकर आई चुका रही है, पति बनकर आया चुका रहा, बेटी बनकर आई चुका रही है, बेटा बन, ये सब चुका रहे हैं। जैसे आप लोग वृंदावन आए 7 दिन के लिए, 7 दिन पूरा होते जाना पड़ेगा, उसी तरह हम लोग यहाँ संसार में 10, 20, 25, 50, 100 साल के लिए आए, काम पूरा किया जाना पड़ेगा, ऐसी है ये यात्रा। हाँ कौन है संसार में आपका, कौन है संसार में आपका? कोई नहीं बिना राम के।
आपका कौन। एक छोटा भजन सुनाऊं कबीरदास जी का लिखा हुआ। इस भजन को केवल सुनना है, नाचने मत लग जाना, ये सुन के समझने का भजन है। कौन है आपका इस संसार में, कोयलिया बोली रे, अमवा की डाले अपनों को नहीं आ रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे। कौन है आपका, कोयलिया बोली रे, अमवा की डाले अपनों को नहीं आ रे, बिना राम रघुनंदन, बिना राम के अपना। आप कह रहे हो ये मेरा नहीं, ये सब अपना हिसाब चुकाने आए, हिसाब चुकते ही सब अपने अपने चले। पत्नी का हिसाब पूरा हुआ, पत्नी छुट्टी, पति छुट्टी, चला गया। आपके थे तो आपको छोड़ के चले क्यों गए, इसका मतलब आपके थे ही नहीं, वो तो अपना काम करने आए थे, चले गए। इसलिए संसार में दिल ना लगाना वरना रोना पड़ेगा। कोयलिया बोली रे, कोयलिया बोली रे, अमवा की डाले अपनों को नहीं आ रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे। कोयलिया बोली रे, अमवा की डाले अपनों को नहीं आ रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे। कोयलिया बोली रे, अमवा की डाले अपनों को नहीं आ रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे। कोयलिया बोली रे, अमवा की डाले अपनों को नहीं आ रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे। अब बताइए कौन है अपना। जब हम जिंदा, जब हम होते हैं ना, तो हम कहते हैं मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा रे भैया, बहन कहे भाई मेरा, मात कहे, माँ कहती है ये मेरा बे। जब हम होते हैं ना, सब लोग कहते हैं ये मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा रे भैया, बहन कहे भाई मेरा, भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा अपनों को नहीं आ रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे। कोयलिया बोली रे, अमवा की डाले अपनों को नहीं आ रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे। माँ कहती है ये मेरा बेटा है, बहन कहती है मेरा भाई है, सब कहते हैं ये मेरा है, पर ये बताओ आप किसके हैं। सब अपना अपना कहते हैं पर हम किसी के नहीं है ना। जिंदा है तो लोग कहते हैं ये मेरा। अच्छा ये बताओ आप लोग जब मरोगे तो आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले कितने दिन रोएंगे आपके लिए। हाँ 13 दिन तक पत्नी रोवे, 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया, 6 महीना सगो भाई। पता नहीं कबीरदास जी के जमाने में शायद भाई 6 महीने रोते रहे हो, तो उन्होंने 6 महीने का लिखा है, पर आज का तो इतना घोर कलयुग है 6 दिन भी नहीं रोए भाई,
उसे तो लगता ठीक मर गया, इसकी संपत्ति और अपने को मिलेगी। पत्नियां 13 दिन रोती हैं। अच्छा पति कितने दिन रोता है? पत्नियां मर जाएंगी तो पति कितना रोएगा? पत्नी के चिता की आग ठंडी नहीं हो पाती और पुरुषों के दूसरे विवाह की चर्चाएं चालू हो जाती हैं। जो तुम्हारा पति कहता है ना, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम मर जाओगी तो दूसरी ले आएगा, उससे भी कहेगा आई लव यू। इसका आई लव यू समझ ही नहीं आता कि किसके लिए है, सबको बांटता फिरता है। कोई आपसे प्यार नहीं करता मेरी माँ, सब अपने स्वार्थ से प्यार करते हैं। हाँ 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई रे भैया, 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गए आस पराई अपनों को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। लोग रोते हैं, कुछ स्त्रियां कुछ पुरुष जो अच्छे हैं, पति व्रता पत्नी व्रता, वो तो हमेशा ही उस दुख को फील करते हैं और यादों में रहते हैं, भगवान के चिंतन में लग जाते हैं। जब हम मरते हैं ना तो लोग रोते हैं। अच्छा रोने का तरीका क्या है कबीरदास जी से सुनो। माथे पकड़ कर पत्नी रोवे, पत्नी कैसे रोती है? माथे पकड़ कर पत्नी रोवे, इसलिए कुछ लोग ऐसे बैठते हैं ना, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसा बैठना अपशगुन माना जाता है। कुछ लोग ऐसे नहीं बैठे रहते, कर्म में हाथ रख के लोग टोक देते, क्या कर्म में हाथ रख के बैठे हो? ऐसे तभी जिसका सुहाग गुजर जाए वो स्त्री ऐसे रोती है माथे पे हाथ रख के। माथे पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई रे भैया, बाह पकड़ सगो भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे, हंस अकेला जाई अपनों को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। कोयलिया बोली रे अमरवा की डाल अपनों को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। और सुनो, जब मरेंगे हम तो माँ रोएगी अपना पेट पकड़ के मैंने इस पेट में बच्चे को रखा, छोड़कर माँ पराया महसूस करने लगती है कि बेटा तू मुझे पराया आश्रित करके चला गया, अब मैं किसके आश्रित रहूंगी। रोती है माँ। और लोग आते हैं, लोग कहते हैं 5-50 बराती आ गए, ले चल होई रे भैया, ले चल होई। क्या मतलब हुआ? जब आप मरेंगे तो लोग इकट्ठा होते हैं, परिवार के लोग, समाज के लोग, गांव के लोग, क्षेत्र के लोग, और लोग जल्दीबाजी करते हैं, जल्दी ले चलो, क्योंकि इनके पास समय थोड़ी है। एक बात और बताऊं, कोई आपके मरने में नहीं आता, लोग तो बेचारे अपना व्यवहार चुकाने आते हैं कि हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे तो हमारे घर कौन आएगा। आजकल लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आप मर गए, लोग तो बस अपना व्यवहार चुकाने, शक्ल दिखाने आते हैं। और ये जो लोग आते हैं ना, कुछ लोग आते हैं, कुछ रिश्तेदार आते हैं, रोते हैं,
कुछ लोग इतने होशियार होते हैं कि जोर जोर से रोते हैं ताकि सबका ध्यान उनकी ओर जाए, धीरे से रोएंगे तो कोई देखेगा ही नहीं, तो जोर से रोते ताकि सब लोग देखें, ताकि हमारी हाजिरी लग जाए कि भाई साहब हम भी आए थे। हाँ याद रखना, हाँ या ना, लोग आते हैं जब जिंदा थे ना तो किसी ने एक फूल नहीं दिया, मर गए तो फूलों के हार पहनाते हैं, जिंदा थे कपड़ा एक तनासा नहीं दिया, मर गए तो साल चादर उड़ाते हैं। पांच पचास बराती आ गए, ले चल होई रे भैया, ले चल होई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जागत सबकी होई अपनो को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं यारे, ओ यलिया बोली रे अमर दीदार अपनो को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं यारे। अब लोग ले गए आपको, किस से ले गए, किस में लिटा कर ले जाएंगे, नसैनी, एक नसैनी तैयार होती है जिसे अर्थी कहते हैं, उस पर लिटाएंगे, कस कस के बांधेंगे और ले जाएंगे। चार गजी चर गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी रे भैया, चढ़ा काठ की घोड़ी, चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो, फूक दियो जस होरी अपनों को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे, यलिया बोली रे अमरवा की डाल अपनो को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं यारे। आग लगा देंगे आपकी चिता को, होली की तरह होरी की तरह जल जाएगी, शरीर आपका जब जलता है तो कैसे, सुनिएगा जरा, हाड़ जले जस लाकड़ी, हमारी हड्डियां कैसे जलती हैं, हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घास रे भैया, केस जले जस घास, हड्डियां लकड़ी की तरह बाल घास की तरह फुर्र जल जाएंगे। आपको बड़ा प्यार था अपने शरीर से, जल रहा है चिता पर जरा देखो, थोड़ा शमशान जाया करो, बड़ा सुकून मिलता है शमशान में, बड़ी तसल्ली मिलती है शमशान में, कह दो दुनिया के उन लोगों को बड़ी बड़ी बातें ना करो साहब, कितनी भी यात्राएं कर लो लेकिन आखिरी में यात्रा करके यही आना है शमशान। जलती हुई चिताओं को जी भर के देखा करो और अपने आप को भी उस चिता में जलता हुआ महसूस किया करो कि एक दिन अपने को भी यूं ही जलना है, घमंड किसका करें, अभिमान किसका करें, आप लोग भूल गए हैं कि आपको एक दिन जल जाना है, इसलिए घमंड बड़ा सातवें आसमान में है तुम्हारा। मेरी इन बातों को यदि समझ लोगे तो घमंड नहीं आएगा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घास रे भैया, केस जले जस घास, अरे सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, ओ नयायो पासा अपनो को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं यारे, ओ बिना
राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे कोयलिया बोली रे आमवा दीदार अपनों को नहीं यारे अपनों और अब बचाओ आप अब बताओ आपका क्या बचा बताओ मेरी माँ मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया कहता था घर मेरा रे भैया कहता था घर मेरा आपने पूरी जान लगाई ये घर मेरा ये बंगला मेरा ये गाड़ी मेरी हाँ ऐसे ही तुम्हारे बाप दादे कह कह के मर गए कि ये मेरा मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया कहता था घर मेरा रे भैया कहता था घर मेरा तेरा है ना मेरा है यह तेरा है ना मेरा है यह है चिड़ियों का बसेरा अपनों को नहीं यारे बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे कोयलिया बोली रे आमवा की डाल अपनों को नहीं यारे बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे कोयलिया बोली रे आमवा की डाल अपनों को नहीं यारे बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे देह समा गया आग के मुख में बचा न कुछ भी तेरा रे भैया बचा न कुछ भी तेरा पुण्य कमाई किया जो तूने पुण्य कमाई किया जो तूने वही बचा अब तेरा अपनों को नहीं यारे बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं यारे बताओ कौन है अपना बिना राम रघुनंदन अपनों राम के बिना भगवान के बिना बताओ कौन इस प्रकार चित्रकेतु वृत्तासुर बने माता पार्वती शंकर जी की गोद में बैठी थी हंस दिया इन्होंने श्राप मिला वृत्तासुर बने आज उद्धार हुआ एक बार भगवान प्रहलाद जी के लिए खंबा तोड़ करके प्रकट हुए नरसिंह भगवान आए प्रहलाद जी को विश्वास था कि इस खंबे में भगवान है भक्त के विश्वास को सत्य करने के लिए भगवान आए आप याद रखिएगा मेरी माँ बिना भगवान के आपका इस जगत में कोई लाख कहे कि हम तुम्हारे हैं नहीं साहब आप हमारे नहीं हो सकते कौन हमारा है मेरी माँ भगवान इसलिए भगवान की मर्जी से जो भगवान कराए वो करो इसलिए कहता हूं अच्छे काम कर लो अच्छी करनी कर ले रे भैया कर्म न करिए काला क्योंकि देह समा गया आग के मुख में बचा ना कुछ भी तेरा पुण्य कमाई किया जो तूने वही बचा अब तेरा अंत में जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा पुण्य इसलिए पुण्य कर लो अच्छे काम कर लो इसलिए दास अनिरुद्ध आप लोग किससे डरते हो
आप लोग किस से डरते हो? मैया, ओ प्यारी मैया, आप किस से डरती हो? मेरी माँ, किसी से नहीं, तुम्हें किसी का डर नहीं है? किस से डरती हो आप? सास से? कहाँ सास आपकी? सास से डरती हो? आप किस से डरती हो मैया? हाँ, भगवान से? क्यों, भगवान डराते हैं आपको क्या? सपने में आके भगवान से क्यों डरना है? इनसे डरती हो आप? ये भैया, किससे डरते हो आप? अच्छा, डरना जरूरी है या नहीं? हाँ या ना, किससे डरना जरूरी है ये भैया बताएंगे, किससे? मुझे डर लगता है हर गलत काम करने से डरो, हर पाप करने से डरो, हर बुरे विचार से डरो, हर बुरे आचरण से डरो, हर अच्छे काम करो। भगवान से डरना नहीं है, डरना है बुरे कामों से। भगवान से प्यार करना है, डरना किससे है? हर बुरे काम। प्रहलाद जी के पिता हर बुरे काम करते थे और प्रहलाद जी हर अच्छे काम करते थे। जैसे ये दास अनिरुद्ध हर बुरे काम को करने से डरता है और हर अच्छे काम को करने की हम कोशिश करते हैं कि हमारे शरीर से हर अच्छा काम हो जाए, क्योंकि आखिरी में तो ये शरीर यहीं छोड़ देंगे जलने के लिए। इसलिए अच्छे काम करो, सेवा। मुझे अच्छे काम में सबसे बढ़िया काम कौन सा है? सेवा। सबसे बढ़िया काम कौन सा है? सेवा। माता पिता की सेवा, पति की सेवा, गुरु की सेवा, समाज की सेवा। 100 रुपए कमाओ तो 2 रुपए समाज की सेवा के लिए निकाल कर रख दो, फिर वो 98 रुपए तुम्हारे भले काम में लगेगी। और यदि तुमने 2 रुपए नहीं निकाला परमार्थ के लिए तो फिर वो 2 रुपए पूरे 98 को बिगाड़ देगा। इसलिए कमाई का हिस्सा कहां लगना चाहिए? पुण्य में। पुण्य क्या है? गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत भोजन कर रहे हैं, हजारों भक्तों को पेट भर भोजन, यहाँ की रसोई अखंड, रसोई अखंड अन्न क्षेत्र, हजारों साधु संतों की सेवा वर्षों से कर रहा है। सबसे बड़ी सेवा ये है, सबसे बड़ा पुण्य ये है, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इन संतों की सेवा में, भक्तों की सेवा में लगाओ, सेवा से जोड़ो। धन पवित्र होगा सेवा से जुड़कर, हाँ या ना? इसलिए सेवा करो। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यपु हर बुरे काम करते, प्रहलाद जी पढ़ने गए, गुरु चरणों में खूब बढ़िया पढ़े, प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा, छोटी आयु में ही भगवान का चिंतन करो। हिरण्यकश्यपु बोला, प्रहलाद जी ने मित्रों को पिताजी को नवधा भक्ति भी सुनाई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। लेकिन हिरण्यकश्यपु बोला, ये तू मेरे दुश्मन का नाम जप रहा है, चल बोल तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम मे भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशान। कहा, नहीं है क्या इस खंबे में तेरे भगवान है? हाँ, जो खंबे पर प्रहार किया नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यपु को गोद में लिटाया, उसने वरदान मांग रखा था, ना दिन के मरु ना रात्रि को, फिर भगवान ने शाम को मारा। बोले, ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूंगा। भगवान बोले, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा। छाती विदीर्ण कर दी और हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद जी ने स्तुति की, ब्रह्मा दया।
सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै नारादितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। हे प्रभु, जिसकी जिनकी स्तुति ब्रह्मा देवताओं ने कर ली है, मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही जन्म ना ले, ऐसी कृपा करो। प्रहलाद जी भगवान से क्या मांगते हैं कि मेरे अंदर कभी कुछ पाने की इच्छा ही ना हो। प्रहलाद जी के अंदर कोई इच्छा नहीं थी, निष्काम। और भक्त जब निष्काम होता है तो भगवान उसे बहुत प्यार करते हैं। निष्काम भक्त को कोई कामना नहीं। आप लोग भी अपनी कामनाएं मिटाओ, ये कामनाएं आपको गुलाम बनाई हुई हैं। त्याग दो अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को। भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा की, फिर हाथी पर कृपा करने के लिए भगवान ने हरि का अवतार धारण किया। एक बार हाथी नहा रहा था सरोवर में, तो मगर ने पांव पकड़ लिया। किसने पांव पकड़ा? मगर मतलब मगरमच्छ, मगर मतलब अगर मगर। महाराज जी हम कछा में आ तो जाते, मगर आपका भी पांव मगर नहीं पकड़ा है? हम वृंदावन आ तो जाते, मगर मगर ने पांव पकड़ लिया हाथी का। फिर हाथी ने पुकारा, कमल का पुष्प दिया, भगवान ने हाथी की रक्षा की, उसका उद्धार किया। ये श्राप के कारण हुहू नाम का गंधर्व ग्राह बना, आज उद्धार हुआ। हाथी भी एक राजा ही, श्राप के कारण आज दोनों का कल्याण। समुद्र मंथन पर धनवंतरी कक्षप मोहिनी अवतार धारण हुए, देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं ने अमृत पिया, राक्षस वंचित रह गए और राजा शुक्राचार्य जी की कृपा से राजा बलि इंद्रासन पा गए। तब राजा बलि जब इंद्रासन पा गए तब 99 यज्ञ पूरे हुए राजा बलि के। तब बावन भगवान पहुंच गए राजा बलि के। बोलिए बावन भगवान की। तीन पग भूमि मांगी, पहले पग में पाताल, दूसरे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक महरलोक तपलोक जनलोक सारे भूर्भुवस्व सारे ऊपर के लोकों को लिया। भगवान ने चरण रखा तपलोक में। तीसरा चरण कहाँ रखे? राजा बलि ने कहा, प्रभु मेरा मस्तक नाप लीजिए, मेरे माथे पर रखिए। भगवान ने, राजन तू मुझे, मैं तुझे छलने आया, तुमने तो मुझे ही छल लिया। राजा बलि को पाताल का राजा बनाया गया। आगामी मनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाएंगे भगवान। लक्ष्मी जी वामन भगवान को राखी, राजा बलि को बांधकर वामन भगवान को लेकर गई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फिर एक बार भगवान मत्स्य बनकर आए, राजा सत्यव्रत नाम के राजा पर कृपा की। भगवान सूर्य वंश में राम बनकर आए, ब्रह्मा के पुत्र मरीचिन्ही के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया, इन्हीं के वंश में हुए। सगर असमंजस फिर दिलीप, फिर सगर असमंजस दिलीप भगीरथ, भगीरथ फिर गंगा को प्रकट किए भगीरथ जी ने, इन्हीं के वंश में। बोली गंगा मैया की, इन्हीं के वंश में खटवांग दीर्घबाहु, फिर इन्हीं के वंश में दिलीप, फिर रघु, फिर अज दशरथ जी। दशरथ जी के कितने पुत्र हुए? कितने? चारों के नाम बताओ। राम, दशरथ जी के चारों पुत्रों के नाम आप बताओ, सिर्फ आप, सब लोग टुप्पी टाप रहेंगे, बताओ। राम, भरत, हाँ जी राम भरत और धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। ये स्थिति है हिंदू धर्म की, ये स्थिति है सनातन धर्म की, कि यहां पर दशरथ जी के चारों पुत्रों का मतलब राम जी के चारों, राम सहित चारों भाइयों का नाम लोगों को नहीं पता। ऐसे होगा हिंदुओं का उत्थान? तुम्हें अपने धर्म के बारे में जब कुछ ज्ञान ही नहीं है तो किस बात के सनातनी हो?
कोई कुछ बोलेगा तुम क्या उत्तर दोगे? अपने सनातन धर्म के बारे में इतना ज्ञान तो रखो कि कोई विधर्मी तुम्हारे धर्म की ओर कुछ कहे तो तुम उसका पलट कर जवाब देकर अपने धर्म का सही पक्ष रख सको। इसलिए हम कथा सुनाते हैं आप लोगों को सार सार, हम कथा नहीं कथा का सार सुनाते हैं आपको, जिससे आपका कल्याण होगा, बच्चे सुनेंगे बच्चों का कल्याण होगा, ठीक है? बताओ आप, दशरथ जी के चारों पुत्रों का नाम चश्मा वाले भैया, बैठे बैठे, राम लक्ष्मण भरत, भरत चौथे का नाम शत्रुघ्न, चार, इन चारों में सबसे बड़े कौन हैं ये भैया बताएंगे, और सबसे छोटे शत्रुघ्न जी की मां का नाम बताओ आप, और भरत जी की मां का नाम आप बताओ, चश्मा वाले भैया पीछे वाले, हाँ क्या कही? दशरथ जी की कितनी पत्नियां हैं? चार, चार, ये भैया टोपी वाले कह रहे हैं चार, अरे अभी तो चार कह रहे थे, एक कहां चली गई? एक अपने से जोड़ दी क्या? दशरथ जी की तीन पत्नियां, तीनों के नाम माता, बड़ी पत्नी माता कौशल्या, मझली माता, माता सुमित्रा, तीसरी माता कैकेयी। राम दशरथ जी की, दशरथ जी के चार पुत्र हुए राम लक्ष्मण भरत, और दशरथ जी की एक बेटी भी हुई है, दशरथ जी की एक बेटी का नाम बताओ मैया गुलाबी, मैया सो रही हो क्या माँ, या सुन रही हो माँ? मैया बताओ, दशरथ जी की बेटी का नाम, राम जी की बहन का नाम क्या है? शांता। याद रखो, कोई पूछे तो उत्तर दे सकते हैं। भगवान राम की एक बहन भी है, क्या नाम है? क्या नाम है? शांता। अब आपसे कोई पूछे कि ये शांता इन तीनों रानियों में किस रानी से प्रकट हुई, तो बताओ शांता किनकी बेटी है? कौशल्या की बेटी, सुमित्रा या कैकेयी माँ की? माता सुमित्रा की पुत्री है शांता। माता सुमित्रा से शांता का जन्म हुआ। शांता को दशरथ जी ने दान कर दिया था। बचपन में दशरथ जी के एक मित्र थे, रोमपाद उनका नाम था, उन्हें अपनी बेटी शांता दान कर दी थी। वही बेटी शांता श्रृंगी ऋषि से विवाही गई थी, वही श्रृंगी ऋषि जिन्होंने दशरथ जी के पुत्र के लिए यज्ञ कराया था, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। समझ में आ रही है बात? तो ये राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चारों भैया, राम जी के जन्म की, राम जी के प्रकट की तिथि क्या है आप बताओ, बैठे बैठे, कौन सी तिथि है आप बताओ? रामनवमी। कौन से महीने की रामनवमी? चैत्र माह की। कौन सा पक्ष? चैत्र माह शुक्ल पक्ष, तिथि नवमी। राम जी के जन्म का सही समय कोई नहीं बोलेगा, ये भैया बताएंगे। बताओ राम जी, राम जी का समय कितने बजे जन्म हुआ था? आप बताओ, ढाई बजे, बारह बजे,
बारह बजे रात के 12 बजे कब हुआ था? क्यों अभी लॉकडाउन में जब रामायण आई थी तो तुम सो रहे थे? रामायण काहे नहीं देखी तुमने? रामानंद सागर जी ने इतनी बढ़िया बनाई है, कुछ देखा करो मेरे भाई, कुछ देखोगे तो आपको ज्ञान बढ़ेगा। ये आपके लिए अच्छा है ज्ञान कि नहीं? अच्छा नहीं है? शादी हो गई आपकी? बच्चे हैं? होंगे फिर बच्चों को क्या बताओगे? आपको ही कुछ पता नहीं रहेगा तो? ये तो संस्कार परंपरागत जाएंगे ना। लॉकडाउन लगा था इसलिए कि लॉकडाउन में आप लोग रामायण देख लो, लेकिन कुछ लोग तब सोती रहे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैयों का जन्म हुआ। उसके बाद राम लक्ष्मण थोड़ा बड़े हुए तो उन्हें लेने के लिए एक ऋषि आए थे। क्या नाम था उनका? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। कौन ऋषि आए? विश्वामित्र जी। और राम लक्ष्मण को लेकर चले। कहां चले? बक्सर। कहां चले? बक्सर बिहार में। वहां चले। क्यों चले? क्योंकि यज्ञ होने नहीं देते थे राक्षस। तो राम जी ने यज्ञ पूरा कराया और एक महिला को राम जी ने मारा। बताओ वो पहली क्या नाम था उस महिला को जिसको राम जी ने मारा? ये भैया बताएंगे क्या नाम था उस महिला को जिसको राम जी ने पहली बार मारा? क्या नाम था मैया? बताओ क्या नाम था? ताड़का। क्या नाम था? एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जानते ही निज पद दीना। एक बाण से राम जी ने उस राक्षसी को मारा। बिन फणका बाण मारा, मारीच मॉरिशस में जाके गिरा। और राम जी ने उस यज्ञ को पूरा किया और आगे एक पत्थर की शिला नजर आई। जनकपुर जाने लगे रामलला। तो जब पत्थर की शिला नजर आई तो ये भैया बताएंगे पीले कुर्ते वाले, वो पत्थर की शिला किसकी थी? किसकी? हाँ टोपी वाले भैया, अहिल्या की। तो ये पत्थर काहे बन गई थी? उनके पति ने उन्हें श्राप दिया था, क्योंकि इंद्र ने उनका चरित्र बिगाड़ने की कोशिश की थी, इसलिए उन्हें पत्थर होने का श्राप मिला। फिर राम जी ने अपने चरणों की रज गिराई और वो पत्थर से क्या हो गई? फिर पहले के जैसे सुंदर स्त्री हो गई। राम को प्रणाम किया और पति के लोक को चली गई। उनका उद्धार हो गया, उनके चरित्र पर दाग लगा। तो चरित्रवान राम के स्पर्श से उनका चरित्र पावन हो गया, पवित्र हो गया। राम जी स्वयंवर में गए, सीता स्वयंवर में, पुष्प वाटिका इत्यादि में दरस परस हुआ। फिर बड़ा धनुष रखा था, कोई उठा नहीं पा रहा था। क्या नाम था उस धनुष का? जिस धनुष को कोई उठा नहीं पा रहा था उस धनुष का नाम क्या था? ये मैया बताएंगी, हमारी चश्मा वाली मैया। बताओ क्या नाम था? शिव धनुष। नाम बताओ, शिव जी का तो था ही। ये भैया बताओ क्या नाम था? पिनाक। क्या नाम था? पिनाक। पिनाक नाम के धनुष को राम जी ने तोड़ा, डोरी चढ़ाई तो धनुष टूट गया। टूट गया तो सीता मैया आई और राम जी को माला पहनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम जी ने भी माला पहनाया तो सीता और राम जी क्या हो गए? दुल्हा दुल्हिन। सीता मैया क्या बनी? दुल्हिन। और राम जी क्या बने? दुल्हा। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, बड़े सुंदर लग रहे हैं राम जी। राम जी अब बड़े बड़े राजा उचकने लगे, उचकने लगे। सबको समझा, वहां पर परशुराम जी आ गए, उनको शांत किया। फिर बारात आई, फिर चारों का विवाह दशरथ जी ने कर दिया। राम जी का विवाह माता
सीता जी के संग भरत जी का विवाह माता माता मांडवी के संग और शत्रु भरत जी लक्ष्मण जी का विवाह माता माता उर्मिला के संग और शत्रुघ्न जी का विवाह माता श्रुतकीर्ति जी के संग, ये चारों भइयों का विवाह हुआ। कैकेयी माँ ने राम जी को खूब बढ़िया दिया है, सिया माँ को सोने का महल। फिर राम जी आए रहे, एक दिन राम जी को राजा बनाने का भाव आया दशरथ जी के मन में, तो कैकेयी माँ की बुद्धि किसने बिगाड़ दी? किसने? आपके पड़ोसी ने। हाँ, ऐसे पड़ोसियों से सावधान, ये मंत्रा पड़ोस में ही रहती थी, पड़ोस में कैकेयी के बिल्कुल पास। कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, माता कैकेयी की बुद्धि मंत्रा ने बिगाड़ दी और राम जी को कितने सालों का वनवास दे दिया? 14 साल राम जी वनवास चले। पहली रात्रि श्रृंगवेर तमसा नदी के तट पर, फिर श्रृंगवेरपुर पहुंचे, निषाद के यहाँ रात्रि विश्राम की, फिर सवेरे केवट से नाव मांगी, राम जी पार गए। और फिर राम जी ने अपनी कुटिया कहाँ बनाई? कहाँ? चित्रकूट। कहाँ? भरत जी राम जी से मिलने कहाँ आए? चित्रकूट। भरत जी आए, भरत जी को राम जी ने क्या दिया था? चरण पादुका। चरण पादुका के रूप में राम ही प्रकट भए, भरत जी गए। फिर राम जी चित्रकूट से कहां गए? जल्दी बताओ। पंचवटी, नासिक। पंचवटी, वहां पर एक महिला आई जिसकी नाक काटी, बताओ क्या नाम था उसका? सूप नखा। ये कौन थी? रावण की बहिनी। ये दोनों भाई बहन के आचरण अच्छे नहीं थे, इनके माँ बाप ने बिल्कुल परवरिश ठीक नहीं की, खूब मोबाइल देखे हैं दोनों, अब बिगड़ गए। दोनों भाई बहन के लक्षण अच्छे नहीं है, सही है? रावण के लक्षण भी अच्छे नहीं और रावण की बहन के तो बिल्कुल अच्छे नहीं है, ये किसी को भी आई लव यू कह देती है। सूप न खा गई, राम जी को बोली आप बहुत सुंदर है, हमसे विवाह कर लो, जब किसका विवाह हो चुका था विद्युत जिह्वा से, और फिर भी कुंवारी बनी घूमती थी। आज के जमाने में इसकी वंशज कुछ बची है, पता है आपको? सूप न खा के वंशज आज बचे हैं कि नहीं, बताओ आप कौन है? सूप नखा के वंशज कौन है? सूप नखा की शादी हो गई थी, परंतु वो मांग वांग नहीं भरती थी और वो कोई चूड़ी उड़ी नहीं पहनती थी। हाँ, आज भी जिनकी शादियां होने के बाद बहुत लड़कियां मांग नहीं भरती, सिंदूर नहीं भरती, सिंदूर नहीं, चूड़ी नहीं, समझ लो ये सब सूप नखा के वंशज है। ना मांग है, ना चूड़ी है और ना कोई सिंगार है। और सूप नखा, सूप जैसे नख, मतलब नाखून बड़े बड़े, सूपे जैसे गाड़ दे तो मर जाए आदमी, सूप जैसे नख, सूप नखा। तो ये सूप नखा कहीं मर थोड़ी गई, नाक कटी थी तो भागती फिरी, तो आज भी कहीं ना कहीं मिल ही जाती है सूप नखा। आपके मोहल्ले पड़ोस में भी बहुत मिल जाएंगी। शादी हो गई, मांगी नहीं भर रही, कुछ माताएं तो यहां मांग घिसनी से घिस लेती हैं और बालों से छिपा लेती है, इस तरफ के बाल ऐसे, कोई देख न ले कि हमारी शादी हो गई है, ये सब सूप नखा है। चूड़ी नहीं पहनती, बताओ, मंगलसूत्र टंगा है खुटिए पर, खूंटे पर, ये सब किसके लक्षण हैं? राम जी के पास गई, लक्ष्मण जी के पास गई तो नाक कान काट दिया, इनकी तो नाक कटनी ही चाहिए। अच्छा, हाथ पांव क्यों नहीं काटे, नाक ही क्यों काटी? हाथ पांव काटते तो इसे बताना पड़ता कि वहां गई थी तो हाथ कट गए, नाक काट दी किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि कहां गई थी, लोग अपने आप समझ लेंगे नाक कटाने गई थी सो आ गई। न्यूज वालों को नहीं बताना पड़ेगा ना कि कहां गई थी, न्यूज वाले समझ लेंगे हाँ आज सूप न खा नाक कटा के आई, क्यों? क्योंकि नाक कटाने गई थी।
इसका काम ही क्या था नाक कटवाना? वो तो पहले भी कई बार नाक कटा चुकी है, पर कटी एक बार, कटी इस बार, लक्ष्मण जी के पल्ले पड़ गई ना, इस बार कटी गई ठीक ठीक से। तो नक कटी है ये, हाँ या ना। अब रावण के पास जा, अब देखो ये बहन ऐसी है, ऐसी बहन से भगवान बचाए, ये सूप नखा नाक कटा के गई रावण के पास। अरे रावण तू मेरा भाई है, मैं तेरा भला चाहती हूँ। हाँ बहन बोल क्या बात? बोले वो राम है ना, उनकी पत्नी बहुत सुंदर है, तू ले क्यों नहीं आता? ये देखो ऐसी बहन से भगवान बचाए, जो दूसरे की पत्नी को चुराने की सलाह दे रही हो, ऐसी बहन से बचाए भगवान। और रावण ने बहन की बात मान ली, सत्यानाश हो गया। आप किसकी बात मानते हैं ये बात मायने रखती है। अर्जुन अर्जुन कृष्ण की बात मानते थे, दुर्योधन शकुनी की बात मानता था, दोनों का परिणाम देख लो। रावण सूप नखा की बात मानता था और विभीषण राम की बात मानते थे, देखो अंतर देखो। आप किसकी बात मानते हैं? यदि गलत की बात मानेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। रावण गलत की बात, बहन की बात मान गया, बहन के कहने से, एक नारी के भड़काने से भड़क गया रावण। रावण जैसा पंडित विचार नहीं किया कि ये गलत कह रही है, दूसरे की औरत को क्यों मैं चुराऊं, इसके कहने से इसने भड़का दिया। रावण ले आया, सर्वनाश को निमंत्रण दिया। राम जी जब रावण सीता मां को चुराया, राम जी जंगल में मारीच को मारने गए थे, लक्ष्मण जी भी चले गए, जटायु ने देखा कि रावण सीता मैया को चुरा रहा है, तो जटायु ने रे रे दुष्ट ठाण के खड़ा हो जा, तूने मेरी बेटी को हाथ लगाया, तेरे हाथ काट दूंगा। खूब जटायु जी ने रोका है। और जटायु ने एक नारी की रक्षा करना चाहा, तो जटायु को चलकर राम के पास नहीं जाना पड़ा, जटायु ने पक्षी होकर समाज की सेवा, एक स्त्री की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी, तो जटायु पक्षी होकर भी पवित्र हो गए, राम तक नहीं जाना पड़ा, राम स्वयं जटायु तक पहुंचे कि मेरे जटायु ने सेवा की। सेवा करने वाला बड़ा होता है, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि जटायु ने मां की सेवा की, माता सीता के लिए प्राणों का बलिदान दिया ना, मां की सेवा सबसे बड़ी सेवा है मां। इसलिए आपसे कहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माताएं रहती हैं, इन वृद्ध माओं को आप भी अपना बेटा बेटी बनकर साथ दो, सहारा दो। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं, इन माओं के लिए अब एक बड़ा आश्रम बनाना पड़ रहा है, क्योंकि 275 माताओं से आश्रम पैक भर चुका है। आप भी इस आश्रम के निर्माण में एक गज, एक ईंट का, एक 100 ईंट का, एक बोरी सीमेंट का, 5-10 बोरी सीमेंट का आप सहयोग कीजिएगा। अच्छा ये बताओ, जटायु जी ने सीता मैया का सहयोग किया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो जटायु अमर हो गए कि नहीं? अब गौरी गोपाल आश्रम में रहने वाली 275 माताएं, इन्हें आपके सहयोग की जरूरत है कि नहीं? बेटा बेटी ने तो घर से निकाल दिया, बेटा बहू ने तो निकाल दिया, अब कौन सहयोगी बने? तो ये दास अनिरुद्ध आपसे निवेदन करता है कि इन माओ के आप बेटा बेटी बनो, इन माओ को आप भोजन दो, आप इन माओ को दवाई की सेवा करो, आप इन माओ के लिए जो बन पड़े कमाई का 2% 4% इन वृद्ध माओ की सेवा से जोड़ो। आप एक वृद्ध माँ को भोजन दो, 100 वृद्ध माँ को भोजन दो, आप इन माओ के लिए आश्रम में निर्माण हो रहे सीमेंट ईंट या एक कमरा बनवा कर आप माओ को दो, एक कमरे की छत डलवाओ, एक वृद्ध माँ को गोद लो, एक माँ का सहारा बनो, इन माओ को दवाई की सेवा करो। जिस लायक विधाता ने बनाया है सेवा करना, क्योंकि सेवा करने वाला सदा भगवान का प्रिय होता है। जटायु को भगवान ने पिता का दर्जा दिया है, जटायु को भगवान ने पिता का सम्मान दिया, क्योंकि उन्होंने पक्षी होकर एक नारी के रक्षा के लिए पंख उठाए। आप भी इन वृद्ध माओं के लिए अपने इन हाथों को उठाओ,
और इन हाथों को बढ़ाओ गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं के लिए। एक माँ को गोद लीजिए आप कि एक माँ मेरी ओर से भोजन सदा करेगी। गौरी गोपाल आश्रम में अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों साधु संत पेट भर भोजन करते। आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाओ, बेटी बेटे के जन्मदिन में, शादी की सालगिरह में आप भी आओ और आप भी बंटवाओ। इन संतों के रहने के लिए एक संत निवास बनाने की अत्यधिक आवश्यकता है। आप भी इन संतों के लिए संत निवास में सहयोगी बनो। एक गज भूमि, दो गज भूमि संतों के लिए, संत निवास के लिए भूमि दान करो और आप भी इस पुण्य के सेवा से अपने आप तोड़ो। गौरी गोपाल भगवान की रसोई, आप में से कितने लोगों ने रसोई का दर्शन किया और प्रसादी ग्रहण की? सबके लिए रसोई, 30,000 लोग लगभग रोज प्रसाद पा रहे हैं। आप भी इन सेवाओं का दर्शन अपने आंखों से आकर कीजिए और आप भी प्रसादी पाइए। सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा सबसे बड़ी भक्ति है और अन्नदान आपके द्वारा हो इससे बड़ी बात क्या हो। तो गौरी गोपाल आश्रम में जो अन्न क्षेत्र होता है, अन्न सेवा होती है, आप अपनी ओर से इन सेवाओं से जुड़िए। गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं लीजिए, एक दिन की आप सेवा कीजिए, पुण्य बढ़ेगा मेरी माँ, यही पुण्य काम आएगा। गौरी गोपाल गौशाला है, गायों के लिए आप चारा भूसा खली चोकर गुड़ गायों के लिए कुछ सहयोग कीजिए, गौ दान कीजिए। 200-250 गौ माता गौरी गोपाल गौशाला में है। गौरी गोपाल गुरुकुल, निःशुल्क बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी बच्चों के लिए सहयोगी बने। आइए, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने इन वृद्धमाओं के लिए, यहाँ की सेवाओं के लिए अपने हाथ बढ़ाए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी झोली सदा भरी रहे। आइए नाम सुनते हैं आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों का और भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी झोली सदा यूं ही भरी रहे। बड़ी सुंदर पावन कथा सतगुरुदेव भगवान श्रवण करा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां पूज्य सतगुरुदेव भगवान के लिए। बड़ी सुंदर पावन सेवाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे और बड़ी सुंदर पावन सेवाएं आपने देखी भी होंगी। आइए, मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप भी इन पावन सेवाओं के लिए आगे आए और जितना बन सके यथासंभव आप अपने योगदान के हाथ आगे जरूर बढ़ाएं। आज की श्रेणी में श्रीमती पुष्पा जयसवाल जी, आप बोरीवली मुंबई से हैं और आपने वृद्धमाओं के लिए 1,00,000 रुपए का योगदान दिया। एक बार जोरदार तालियां श्रीमती पुष्पा जयसवाल जी के लिए। बोरीवली मुंबई से आप जुड़ रही हैं और इन्हीं की तरह कौशिक कुमारी खंडूभाई देसाई सूरत गुजरात से आप हैं और आपने भी 1,05,001 रुपए का योगदान दिया। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। राजपाल के विजय राणा जी स्वर्गीय दीपन जी विजय राणा के नाम से दिल्ली से 25,000 रुपए, यमुनाबाई जी पाटनकर की श्रीमती में है, बैतूल से आप 21,000 रुपए, आदित्य शर्मा जी सीकर राजस्थान से आप 21,000 रुपए, रामकृष्ण महाराणा रायगढ़ से 11,000 रुपए आप दे रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यदि शनि में अनुप कुमार जी वर्मा बिहार से अन्य क्षेत्र के पावन सेवा के लिए 11,000 रुपए, पुष्पादेवी अग्रवाल आप आनंद गुजरात से 10,000 रुपए, खेमरा जी सेठी गुरुगांव से 11,000 रुपए, अमित शर्मा जी स्वर्गीय धर्मवीर शर्मा के नाम से रोहतक से 11,000 रुपए, प्रमला डी वर्मा मुंबई से 11,000 रुपए, अमित शर्मा जी भावना कुलदीप जी गांधीनगर से 5,100 रुपए दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन दानवीर महापुरुषों के लिए जिन्होंने न केवल अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाए बल्कि इन पावन सेवाओं को आगे बढ़ाया, पुण्य लाभ अर्जित किया। ऐसे सभी दानवीर महापुरुषों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मैं निवेदन करूंगा कि आप भी इन दानवीर महापुरुषों की श्रेणी से अपने आप को जोड़ें, सेवाएं करें और पुण्य कमाएं। जो यहां है उनके लिए काउंटर यहीं लगा, जो लोग घर बैठे उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या फोन नंबर और QR कोड देखा जाता ताकि वो लोग घर बैठे ही अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ा जो है अपने आप को जोड़ सके। अब आइए चलेंगे सहज पावन कथा की ओर, ठाकुर जी के पावन जन्म की ओर। उससे पहले एक सूचना, लगातार भागवत जी के पाठ सीधा वृंदावन में चल रहे हैं। एक बार पुनः स्वअवसर आपको मिलेगा कि आप भी अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने पितरों के कल्याण की मुक्ति के लिए भागवत जी का पाठ बिठा सकते हैं। 12 से 18 अप्रैल भागवत जी के पाठ बैठ रहे हैं। अब आइए चलेंगे सहज पावन कथा की ओर। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़ी भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे भगवान। राम जटायु पर कृपा करते हैं, बाली पर कृपा, सुग्रीव पर कृपा। भगवान सुग्रीव पर कृपा करके हनुमान जी लंका जाते हैं, रावण को मारकर राम जी आते हैं और रावण को मारकर सुग्रीव विभीषण को लंका का राजा बनाकर राम जी सीता मैया को लेकर अयोध्या जी जाते हैं, भरत जी से मिलते हैं, सारी प्रजा से मिलते हैं, राम जी राजा, सिया जी रानी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब मैं आपको जन्मोत्सव की ओर लेकर चलूं, भगवान कृष्ण का उत्सव मनाएंगे। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा
ब्रह्मा से यत्री, यत्री से चंद्रमा, बुध पुरुरवा आयु नहो से यातिनी के वंश में वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी का विवाह माता देवकी से हुआ। कंस लेकर जा रहा था, विदा करके आकाशवाणी हुई, कंस तेरी बहन का बेटा तेरा काल बनेगा। कंस ने जेल में बंद कर दिया। 6 बच्चों को कंस ने मारा देवकी के। 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी पहुंचे। भगवान ने रोहिणी के गर्भ से, देवकी गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। बलराम जी का जन्म हुआ और अब 8वीं बार भगवान कृष्ण प्रकट हो रहे हैं। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात्रि के ठीक 12 बजे सुंदर मुहूर्त में भगवान तमद्भुतम बालक मंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मणमंगल सौभिकौस्तुभम पीताम्बरम सांद्रपयोद सौभगम। जब भगवान प्रकट हुए, देवकी वसुदेव ने स्तुति की भगवान को लेकर के। वसुदेव जी महाराज छोटे से हो गए कन्हैया, जाने लगे भगवान को लेकर। पहरेदार अपने आप सो गए, जेल के दरवाजे खुल गए, यमुना जी का दर्शन हुआ, रिमझिम बारिश शेष भगवान छाता बने। यशोदा माँ ने कन्या को जन्म दिया। श्री कृष्ण को रखकर कन्या को लेकर वसुदेव जी आए। कंस ने उस कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, हाथ से झूठ कर कन्या आकाश में गई। मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। कंस ने डर के मारे देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त कर दिया। और यहाँ सारे गोकुल में उत्साह, मैया यशोदा बधाई हो, तने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जायो, मैया बधाई हो, बधाई हो, सारे लोग बधाई। नंद बाबा खूब सोना चांदी दान करने लगे। गौ माता का दान किया, खूब पहाड़ बना बना के अनाज के अन्न के तिल के खूब दान किया। सारे लोग बधाई दे रहे हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, सब बधाई हो, बधाई हो। भगवान को बड़ा लाड़ मैया लड़ा रही है, प्यार कर रही है और बधाई का उत्सव चल रहा है सारी गोकुल में। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, अरे जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, हो नंद के, नंद के, हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो बाजत, नंद भवन में मंगला चारे बधावो आयो जी, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल में सुख मथुरा में
दुख गोकुल में सुख मथुरा में दुख गोकुल में सुख मथुरा में दुख गोकुल में सुख मथुरा में दुख अरे कंस को मुख कुमलायो आयो जी गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो बधाई हो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो सारी दुनिया में आनंद छायो सारी दुनिया में आनंद सभी भक्तों को लाला के जन्म की बहुत बहुत बधाई सभी यजमानों को बधाई आइए आरती उतारते हैं श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमदे नारायणाय नमः हरि ओम ओम चंद्रमा मनसोर्जा चक्षुः सोर्जो जायत श्रोत्राद् वायुः प्राणस्य मुखा जगने रजायता मन में बसाकर तेरी मूर्ति मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में भसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती तेरे नाम कर दी अर्पण
मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हाँ, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू में गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, वो तहरू में गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए, संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। भरपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितं नमामि। भण्डारमाला गुणगानगाय कपालमाला जपसे फहराय, दिव्यम्बराय जनिदम्बराय नमः शिवाय जनम शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जष्ठा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। आज नंदलाल तरस रहे नैना, आज गोपाल बरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, बरस रहे नैना बरस रहे नैना, बरस रहे नैना बरस रहे नैना। आज गोपाल तरस रहे नैना, आज गोपाल तरस कृष्णा, आज नंदलाल तरस रहे नैना, आज गोपाल राधा कृष्णा, तरस रहे नैना।
ओम जय श्री त्रिगण पुष्पति देवाज नमा रुक्या जल मंत्र पुष्पांजलि हे ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि जा पुष्पांजलि नमया दत्त ग्रहण परमेश्वर श्री प्राण पुरुषोत्तम मंत्र पुष्पांजलि सर्वयामि बलवंतावन बिहारी लाल की जय धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणी भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता जय हो गौ हत्या बद्ध हो सत्य सनातन धर्म की जय हो अयोध्या धाम की जय हो चित्रकूट धाम की जय हो हरिद्वार धाम की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे जिनको मिलना है एक एक से यहां ऊपर आ जाइए और आराम से मिल लीजिएगा। अपना मोबाइल पर्स बैग संभाल के रखिएगा और यहां मिलने के बाद हम अंदर भी मिलेंगे गौरी गोपाल मंदिर में। और जिन्हें यहां की सेवाओं के लिए सहयोग करना है तो पीछे कार्यालय है, अपना नाम लिखवाकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। सुनने वालों कथा को देता यही विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश, कौनो भुजा पसार के करो चरण में सी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।